ठीक है, ओके. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. जल्दी से कमेंट करेंगे, किसी को वॉइस में या पिक्चर क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या मेरी वॉइस क्लियर है? एम आई ऑडिबल टू यू? जल्दी से कमेंट कीजिए क्लास, क्या मेरी वॉइस सभी को आ रही है? फिर चलते हैं हम आज आगे अपने टॉपिक की ओर. और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और उसका नाम मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. नाम आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है. आ गई, ठीक है, ओके, गुड गुड. चलिए, ओके ज्योति मीना, ओके पीओ टेको दीपक जजोरिया, ओके गुड. चलो पूजा सुलानिया, गुड इवनिंग. मीना, कमल, मेवाल, सभी को गुड इवनिंग. राम राम एक बार. तो चैप्टर का नाम है क्लास हमारा क्या? कैलेंडर. और जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो राजस्थान पुलिस के अंदर पढ़ रहे हैं वो हम एमसीक्यू के थ्रू पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहां पे थोड़ा आपको डिस्क्रिप्टिव देना पड़ता है. ओके, अच्छा, टाइम हमारे पास कम है जैसा कि आप जानते हैं, फिर भी मैं आज की क्लास में पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कैलेंडर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं एक बार शॉर्ट में सारे समझा जाऊं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ताकि जो क्वेश्चंस हम करेंगे वो आपको अच्छे से समझ आने चाहिए. ओके, चलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नवल, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. देखिए, कैलेंडर क्लास एक ऐसा टॉपिक है, कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है, बेसिकली अगर देखा जाए तो कैलेंडर और क्लॉक ये मैथमेटिक्स के चैप्टर होते हैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल मेंस के अंदर इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बट फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बस ट्रिक लगाकर, लॉजिकल बनाकर इसको और रीजनिंग के अंदर भी डाल दिया गया है. लेकिन आज हम जो कैलेंडर पढ़ेंगे वो किसी कोडिंग की सहायता से नहीं पढ़ेंगे. आपने जब भी कैलेंडर पढ़ा होगा कुछ कोड याद करके पढ़ा होगा, लेकिन आप जानते हैं जिसने मेरा डिस्क्रिप्टिव बैच लिया था घड़ी का, सॉरी कैलेंडर का डिटेल में, तो जानते हैं कि मैंने हर एक चीज को क्लियर किया था कि क्यों होते 365 दिन, क्यों होते 366 दिन, वगैरह वगैरह वगैरह. ओके, चले गुरुजी नमस्कार, ओके डफर मुंडा, सरोज कुमार, ओके महावीर मिश्र राज ऑफिशियल. सर आपने कल बताया कि रेस्टोरेंट फॉलो नहीं, सॉरी रीस्टेटमेंट फॉलो नहीं करता, लेकिन मैंने काफी जगह ट्राई किया तो पता लगा कि रीस्टेटमेंट फॉलो करता है अगर उसमें पॉसिबिलिटी ना हो. मिस्टर राज ऑफिशियल, अगर आप इस चीज को अच्छे लेवल पर लेके जाते हैं तो एक बात याद रखेंगे, कभी सलॉक्स के अंदर अगर आपकी स्टेटमेंट सेम एज इट इज आपके निष्कर्ष में आ जाती है तो वो हमेशा रॉन्ग होती है, ये बात याद रखिएगा. क्यों? आप खुद सोच के देखो कि कथन से कुछ तो निष्कर्ष निकलना चाहिए. अगर आपने सेम कथन निष्कर्ष में रिपीट कर दिया तो निष्कर्ष का मतलब क्या रह गया फिर? ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा. 2016 के अंदर ये प्रॉब्लम आई थी जब बैंक ने इसको ठीक माना था लेकिन एसएससी ने इसको क्या किया था, गलत किया था. चलो तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम कैलेंडर. और सबसे पहले बात करते क्लास, तो देखिए आप देखिए कि जो कैलेंडर चैप्टर होता है, आप सभी जानते हैं सर, हम बचपन से सुनते आए हैं कि कहीं पे कोई बोलता है कि सर लीप वर्ष और कोई कहता है क्या साधारण वर्ष, यानी कि सर एक होता है हमारा नॉर्मल ईयर और एक होता है हमारा लीप वर्ष. लीप वर्ष को हम क्या कहते हैं और इसको अधिवर्ष भी कहा जाता है. ओके सर, फर्क क्या होता है, हम कैसे बताएंगे कि ये हमारा नॉर्मल ईयर है और ये हमारा लीप ईयर है? बिल्कुल सर, यहां पर प्रॉब्लम आती है. गुड इवनिंग पीयूष मान सिंह सर, गुड लुकिंग, थैंक यू पीयूष. ओके चलिए, तो सर देखिए कैलेंडर की जब भी बात करते हैं तो सर कैलेंडर में हमारे दो प्रकार के ईयर होते हैं, दो प्रकार के वर्ष होते हैं, दो प्रकार के साल होते हैं. कौन कौन से? सर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि एक ऐसा वर्ष होता है जहां पे कुल 365 दिन होते हैं. यस ओ नो? बिल्कुल सर. चलिए आगे चलते हैं हम क्लास, जस्ट वेट. ठीक है, चलो माइक सेट डन. ओके सर, आगे बात करते हैं. सर एक होता है हमारा कौन सा, 366 दिन. सर 365 दिन, 366 दिन हमारे होते क्या हैं? तो सर यहां पे देखिए, जो 365 दिन होते हैं हमारे, ये कहलाते हैं आपके साधारण वर्ष. क्या कहलाते हैं क्लास? साधारण वर्ष कहलाते हैं. बिल्कुल सर. और 366 दिन क्या कहलाता है हमारा? सर ये कहलाता है हमारा क्या, लीप वर्ष. और इसी को हम क्या कहते हैं, अधिवर्ष. चलिए सर, बात ये आती है,
बात ये आती है कि सर हम कैसे पहचाने, हम कैसे पहचाने कि कोई भी साल जो हमें दिया गया है, चाहे वो 2012 हो, 2014 हो, 1996 हो, 1998 हो, वो लीप वर्ष हो, सर कैसे पहचाने, या वो हमारा क्या हो, साधारण वर्ष हो। तो सर देखिए एक बात हम यहां पे देखते हैं, जब भी आपको कोई वर्ष दिया हो तो उसकी लास्ट की दो डिजिट्स अगर किससे भाग हो जाए, क्लास 4 से भाग हो जाए तो क्या कहलाता है आपका, लीप वर्ष, और बाकी के सारे क्या कहलाएंगे, आपके साधारण वर्ष। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल सर, अच्छे से क्लियर है। तो हम कैसे पहचानेंगे सर, अगर हमारा कोई वर्ष 4 से डिवाइड होता है पूरा, या पीछे की दो संख्याएं 4 से भाग हो जाती हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, हमारा लीप वर्ष। लेकिन सर कभी कभी हमारी शताब्दी भी आ जाती है, और शताब्दी क्या होती है क्लास, जिसके पीछे लास्ट में डबल जीरो लगा हो, जैसे 100, 200, 800, 1200, 1600, 2000, सबके पीछे डबल जीरो लगा हुआ है ना। बिल्कुल सर, और अगर वो डबल जीरो लगा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, शताब्दी है, और वो शताब्दी वाला वर्ष आपका लीप होगा या साधारण। उसको चेक कैसे करते हैं, तो सर शताब्दी वाले वर्ष को हमें किससे भाग देना पड़ता है, सर 400 से भाग देना पड़ता है। बिल्कुल सर, तो इसीलिए कैसे पहचानेंगे, सर ऐसे पहचानेंगे कि वर्ष होगा तो 4 से भाग देंगे, और शताब्दी होगी तो 400 से भाग देंगे। अगर पूरे पूरे गए, ठीक है, पूरे पूरे डिवाइड हो गए, तो इसका मतलब वो क्या हुए आपके, लीप वर्ष, और बाकी के सारे क्या होंगे, आपके नॉर्मल ईयर। इतना समझ आया क्लास? बिल्कुल सर, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा इतना। बिल्कुल, अरे वाह, गुड जया, ज्योति, मीना, पीयूष, ओके। तो क्लास यहां देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 1996 का सर कौन सा ईयर है, ये साधारण है या लीप वर्ष है, तो सर सीधी सी बात है, पीछे की दो डिजिट्स को 4 से भाग देंगे। क्या भाग जा रहा है सर? बिल्कुल भाग जा रहा है। कैसे सर? 4 दूनी 8, 1 बचा 4 चौक 16, पूरा गया। इसका मतलब सर ये क्या है, आपका एक लीप ईयर है। सर डन, इतना हमें अच्छे से समझ आ गया है। अच्छा, मैं आपसे कहता हूं क्लास 2012, सर लास्ट की दो डिजिट देखो, 4 से भाग जा रही है, सर बिल्कुल हमारी क्या है, लीप वर्ष है। मैं कहता हूं आपसे सर 1900, क्या 1900 लीप वर्ष है? सर इसको चेक करने के लिए आखिर में दो डिजिट्स आपकी जीरो हैं, तो आपको इसको 400 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या हो गई आपकी सर, शताब्दी, और 400 से भाग दे रहे हैं, तो देखो दो जीरो गई, क्या 4 से 19 कटेगा? सर जी नहीं कटेगा, इसलिए 1900 आपका लीप वर्ष नहीं होगा, या कह सकते हैं लीप शताब्दी नहीं होगी। लेकिन मैं आपसे कहता हूं क्लास, क्या मैं आपसे कहता हूं कि 2000, सर देखो बिल्कुल सर 400 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक लीप शताब्दी है। इतना समझ आया क्लास? बिल्कुल सर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, बिल्कुल डफर मुंडा, चलो डन है। बिल्कुल सर, इतना समझ आ गया हमें कि क्या होता है हमारा साधारण वर्ष, क्या होता है हमारा लीप वर्ष। किसी को कोई डाउट यहां तक, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बचपन की बातें हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, तो यहां पर हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम चलते हैं आगे की ओर। तो देखिए क्लास, बात करते हैं कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखो क्लास, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं किससे रिलेटेड, कि शताब्दी में कुल कितने वर्ष होते हैं, शताब्दी क्या होती क्लास, पूरे 100 वर्षों का समूह। बिल्कुल सर, 100 वर्षों का समूह होती है हमारी शताब्दी। तो सर हम कैसे बताएंगे कि एक शताब्दी में कितने हमारे लीप वर्ष होते हैं? सर आप सभी जानते हैं क्या कि सर हम ये जानते हैं कि हर चार साल बाद क्या होता है हमारा क्लास, हर 4 साल बाद हमारा लीप वर्ष रिपीट होता है, हाँ या ना? बिल्कुल। अच्छा, एक बात मैं आपको फिर बताना भूल गया था, वो मैं यहां फिर बता देता हूं क्लास, ध्यान से देखेंगे आप क्या कि सर 365 दिन है साधारण वर्ष है। चलो ये तो हमने निकाल लिया कि आपको 4 से भाग देना है, तो भाग चले गया, तो किससे क्या होगा, लीप वर्ष। अगर 400 से भाग दिया शताब्दी को तो भी लीप वर्ष, और बाकी सब क्या हुए, नॉर्मल ईयर। लेकिन नॉर्मल ईयर कैसे काउंट करेंगे सर, क्या होता है, कौन सा दिन है वो जो एक बढ़ रहा है? तो सर बात यहां पर ये निकल कर आती है कि सर अगर फरवरी के महीने में 28 दिन है, तो वो होंगे आपके क्या, साधारण वर्ष। और अगर फरवरी के महीने में आपके कितने,
29 डेज हैं तो वो होंगे आपके क्या, लीप वर्ष, यस और नो? बिल्कुल, कहीं पे आप काउंटिंग कर रहे हैं, अगर उस वर्ष में मान के चलो आपने 26 जनवरी तक डेट ली तो क्या लीप वर्ष माना जाएगा? सर नहीं माना जाएगा, क्यों? क्योंकि सर वहां पे आपने फरवरी के 29 दिन काउंट नहीं किए, यस और नो? बिल्कुल सर, इतना हमें अच्छे से समझ आ चुका है। तो सर इसीलिए हम आगे बात करते हैं, क्या सर हम आगे बात करते हैं, वो ये थी क्या कि सर शताब्दी में कुल कितने वर्ष होते हैं? तो देखो शताब्दी क्या होती है, शताब्दी होती है 100 वर्षों का समूह। तो देखो क्लास, बात करते हैं प्रथम शताब्दी की। प्रथम शताब्दी फर्स्ट सेंचुरी कब होती है? 1 से लेकर 100 तक, हाँ या ना? बिल्कुल सर, 1 से लेकर 100 तक। और आप जानते हैं कि जो 4 से भाग हो जाता है वो क्या कहलाएगा आपका? सर वो हमारा लीप वर्ष कहलाएगा। तो 100 को 400 से भाग दो, कितना आया क्लास? 25। लेकिन क्या 25 हमारा लीप वर्ष होगा? सर नहीं, 25 टोटल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सर देखो 1 से लेकर 100 तक जो लास्ट का 100 है आपका, वो क्या है? एक शताब्दी है। और शताब्दी को हम 4 से नहीं, किससे भाग देते हैं? 400 से। तो सर 100 को 400 से भाग दो, क्या जाएगा? सर नहीं जाएगा, यानी कि 96 तक ही टोटल 24 क्या हो गए आपके? लीप वर्ष हो गए। चलो सर द्वितीय शताब्दी की बात करते हैं, सेकेंड सेंचुरी, ठीक है? तो देखो यहां पर 101 से लेकर 200 तक जाएंगे हम। और सर कॉमन सी बात है, 24 ही आपकी यहां पर भी होंगी। क्यों? क्योंकि 200 आपका 400 से भाग नहीं जाएगा। डन? बिल्कुल सर। चलो आगे बात करते हैं सर, तृतीय शताब्दी यानी कि थर्ड सेंचुरी, 201 से लेकर और 300 तक। सर यहां भी कुल कितने होंगे आपके? 24 लीप वर्ष होंगे। डन? बिल्कुल सर। आगे बात करते हैं चतुर शताब्दी के अंदर फोर्थ सेंचुरी में, जो 301 से लेकर 400 तक होगी। सर यहां पे 25 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर 400 को हम जब 400 से भाग देंगे तो पूरा पूरा गया, तो यानी कि 400 शताब्दी जो थी ना आपकी, वो भी एक लीप शताब्दी है। तो 24 तो 96 तक हो गई आपकी, और 400 को भाग दिया 400 से, तो एक ये भी हो गया। तो टोटल कितना होगा क्लास आपका? 25 हो गया। बात समझ आ गई? बिल्कुल बिल्कुल ज्योति, डफर, मौसम, ग्रेट ग्रेट। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए क्लास, ओके? चलो चलते हैं आगे। देखो ये तो हो गया प्रथम, द्वितीय, तृतीय, लेकिन मैं कहता हूं कि फर्स्ट, पहले 100 साल, प्रथम 100 साल। सर प्रथम 100 साल की बात करते हैं तो 24 होते हैं, अभी तो पढ़ा सर हमने, लेकिन मैं कहता हूं क्लास कि प्रथम मैं कहता हूं आपसे क्या कि प्रथम 200 वर्ष, जस्ट वेट, ओके? मैंने कहा आपसे क्या कि प्रथम 200 वर्ष, तो 200 वर्ष में कितना हुआ क्लास? 24 पिछले साल के, मतलब पिछले 100 साल, 24 ये 48 हो गया, हाया ना? बिल्कुल सर, 48 यानी कि 48 हो गया। चलो आगे बात करते हैं सर, प्रथम 300 वर्ष में तो 24 और ऐड कर दिया, 24 24 24, सर 72 होंगे, हाया ना? 300 वर्ष यानी कि 1 से लेकर 300 तक। और सर अगर बात करते हैं प्रथम 400 वर्ष की, तो सर प्रथम 400 वर्ष में कितना होगा आपका? सर 24 24 24 और 25 ही है, तो लास्ट में कितना हो गया? 97। अरे वाह, गुड सर, यू आर गुड, थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग कैलेंडर प्रॉब्लम, ओके, थैंक यू पीओ टेक्नो। चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास, आगे कंटिन्यू करते हैं इसी चीज को। तो इतना समझ आया सर? बिल्कुल हमें इतना समझ आ गया है। अगर आपसे कोई बोलता है क्या कि सेकंड शताब्दी यानी कि द्वितीय शताब्दी, तृतीय शताब्दी, तो इसका आंसर इस प्रकार से दिया जाएगा, लेकिन बोला जाए कि प्रथम 200, प्रथम 300, प्रथम 400, तो सर ये होंगे आपके आंसर। क्या होते हैं आपके ये? सर ये होते हैं आपके क्या? लीप वर्ष। क्या होते हैं क्लास? लीप वर्ष। चलो यहां पे मैं लिख देता हूं, आई थिंक यहां मेंशन नहीं है, तो कुल कितने वर्ष नहीं, कुल कितने क्या होंगे क्लास? लीप वर्ष, ठीक है? लीप वर्ष है ये। डन? ओके सर, बिल्कुल डन, क्लियर है? ओके गुड। चलो मिस्टर राज ऑफिशियल, सर आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, पर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बता दो सर, स्टेटमेंट ए बी नहीं है कंक्लूजन। राज ऑफिशियल, एक बार इस क्वेश्चन को मुझसे पूछे, मैं डेफिनेटली बताऊंगा, ओके? जस्ट वेट, एक बार मैं इसको क्लियर कर दूं, आपका क्वेश्चन मैं डेफिनेटली लूंगा, मैं आपसे बोलूंगा, उस टाइम आप इसको दोबारा से कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा। डन? चलिए तो स्टार्ट करते क्लास आगे। इतना डन हो गया? बिल्कुल सर। चलो कि शताब्दियों में कितने लीप वर्ष होते हैं वो हम समझ चुके हैं। सर चलते हैं हम आगे की ओर, ठीक है? जस्ट वेट, ओके। चलिए
तो अब बात करते क्लास, क्या हम बात करने वाले हैं विषम दिन की। ओके, किसकी बात करेंगे क्लास? विषम दिन की। तो जो भी आप आंसर देंगे, जो भी आप आंसर देंगे सर, वो देंगे आप किसकी सहायता से? सर विषम दिन की सहायता से देंगे। विषम दिन क्या होते हैं आपकी क्लास? ऑड डे। और ऑड डे कैसे निकालना जाता है, देखो क्लास ध्यान से। आप सब जानते हैं कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में सर 7 दिन होते हैं, बिल्कुल। तो जो भी नंबर दिया जाए आपको उसे किससे भाग देना पड़ेगा? 7 से भाग देना पड़ेगा। ओके, बिल्कुल सर। जब 7 से भाग देंगे तो जो भी आपका शेषफल निकलेगा वो होता है आपका क्या? ऑड डे। डन सर, बिल्कुल। तो कैसे निकाला जाएगा वो देखेंगे आप ध्यान से। तो देखो सबसे पहले यहां पर देखेंगे आप कि विषम दिन क्या होता है। सर विषम दिन अभी तो बोला आपने कि 7 के शेषफल को क्या बोलते हैं हम? विषम दिन बोलते हैं। ओके चलो, बिल्कुल सर। 7 के शेषफल को हम क्या कहते हैं सर? विषम दिन बोलते हैं। बिल्कुल सर, इतना समझ आया। आगे देखो सर, कुल दिन कितने होंगे, या कुल दिन कितने निकालने हैं हमें? सर कुल हमें विषम दिन निकालने होते हैं। और विषम दिन कैसे होते हैं क्लास? कुल विषम दिन कितने होते हैं? तो यहां देखेंगे आप सर, ये होते हैं आपके कुल विषम दिन। क्या देखो, ये आई हमारी एरो और ये हुए हमारे क्या? विषम दिन। कैसे सर? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल 7 आपके विषम दिन होंगे। इसके अलावा कोई भी विषम दिन आपका नहीं निकलेगा। मैं आपको गारंटी देके कहता हूं, आप किसी भी नंबर को 7 से भाग दीजिएगा, इन 7 नंबर के अलावा कोई और नंबर आपका नजर नहीं आएगा, या शेषफल में या रिमाइंडर में नहीं निकलेगा। ओके सर, बिल्कुल सर, इतना समझ आया। कैसे सर? देखो मैं आपको समझाता हूं ऐसा कैसे होगा। देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहता हूं क्या, कि मैंने आपसे कहा कि देखो 11 को भाग दीजिए। ओके सर, 11 को भाग दो किससे? 7 से। यानी 11 का विषम दिन कितना होगा? 7 से भाग दो, 7 एकम 7 सर कितना बच गया? 4। हाया ना, कोई भी नंबर ले लो एक्स वाई जेड। मैंने कहा सर 22 को भाग दिया 7 से, सर कितना बचेगा? 7 या 21 कितना बच गया शेषफल? सर 1 बच गया। हाया ना, कोई भी रेंडमली कोई भी नंबर ले लो आप। मैंने कहा सर 33 को भाग दो 7 से, यानी कि 33 का शेषफल क्या होगा, सॉरी रिमाइंडर क्या निकलेगा? तो देखो सर 7 चौक 28 कितना बच गया सर? 5। तो 5 क्या हो गया? शेषफल। कोई भी नंबर आपका क्या नहीं होगा, कभी भी 0 और 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। बिल्कुल, मैंने कहा सर 35 को भाग दो 7 से, कितने आए ऑड डे? सब पूरा गया तो 0 आ गया। डन है, बिल्कुल सर, इतना अच्छे से समझ आ चुका है। 7 से भाग देने पर जो बचता है वो ही हमारा क्या होता है? ऑड डे। क्लियर है? बिल्कुल सर, इतना क्लियर है। तो देखो क्लास, यहां पर देखो ध्यान से, मान पहला डे आपका मंडे है, फर्स्ट मान के चलो क्या है? मंडे है। अच्छा, 1 क्या 7 से भाग होगा? सर नहीं, तो 1 तो अपने आप में विषम दिन हो गया, सॉरी ऑड डे हो गया। बिल्कुल सर, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, ठीक है। लेकिन देखो संडे आपका 7वें दिन पे आया, 7 को आपने 7 से भाग दिया, कितने पे गया सर? पूरे पे गया। तो कितना शेषफल बचा आपका? 0। तो इसलिए क्या आ गया यहां पर? 0। बात समझ आई? बिल्कुल सर। अच्छा, 7 के बाद में 8वां दिन कौन सा आएगा? सर संडे के बाद मंडे आएगा। हाँ या ना सर? देखो मंडे पे कौन सा है आपका? 8वां दिन है। 8 को भाग दो 7 से, कितना आएगा सर शेषफल? सर 1 आएगा। बात समझ आई? सर मैंने बोला मंगलवार कब है आपका? 9वें दिन आएगा। 9 को भाग दो 7 से, सर कितना बचेगा? सर 2 बचेगा। बिल्कुल सर, मैंने कहा बुधवार कब आएगा? देखो अच्छा, 10 को बुधवार आएगा। बात समझ आई? हाँ। अच्छा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मान के चलो कि 15 को बुधवार है। बात समझ आ रही है? मान के चलो, मैं बस मानने की बात कर रहा हूं, ठीक है। इस प्रकार से तो विषम दिन निकालो, कैसे निकालोगे? सर 15 को भाग दिया 7 से, कितना आ गया सर? 7 × 14 1 विषम दिन आ गया। अच्छा, मैं कहता हूं 50 हफ्ते को, 50 वीक्स को, सर 50 वीक्स को हम भाग देंगे 7 से। सर कॉमन सी बात है, ये हफ्ते हैं, और सर हफ्ते तो वैसे हर 7 दिन से बने होते हैं, 7 दिन 7 दिन मिला के बने होते हैं। इसीलिए सर इसको जब भी आप 7 से भाग दोगे तो पूरा कटेगा सर, बिल्कुल पूरा कटेगा। इसीलिए शेषफल क्या आएगा सर? हमेशा इसका शेषफल कितना आएगा? 0। कभी भी हफ्तों को 7 से भाग दो, हफ्ते होते 7 दिन के हैं। हाँ या ना? बिल्कुल सर, इतना क्लियर है अच्छे से। तो सर ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? सर ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? ऑड डे, यानी कि विषम दिन है, ठीक है क्लास। विषम दिन निकालना आ चुका है आप सभी को। चलो अब चलते हैं आगे, ठीक है। ओके डन, चलिए। तो देखो
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका कि देखो किस प्रकार से आपको आंसर देने हैं। तो देखो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिलेंगे जहां पर आपको डेट मंथ और ईयर दिया गया होगा, कैसे होंगे सर वो क्वेश्चन? तो सर वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के होंगे। ये देखिए यहां पर आपके मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो सर इसका मतलब क्या होगा? सर इसका मतलब ये होगा कि यहां पर कुल 3 प्रकार के आपको केस मिलने वाले हैं। अच्छा सर पहला केस कौन सा होगा? सर अगर हम यहां पर देखते हैं तो सर हमें साफ साफ नजर आ रहा है क्या कि यहां पर देखो डेट और मंथ तो सेम है लेकिन हमारा ईयर क्या है सर? अलग है। तो इसीलिए ये केस नंबर फर्स्ट हो गया कि दिन और महीना समान हुआ लेकिन वर्ष क्या हो गया क्लास आपका? अलग हो गया। हाँ या ना? बिल्कुल सर इतना समझ आ गया है हमें। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट में देखो सर यहां पे डेट और मंथ आपके क्या है? अलग अलग है लेकिन वर्ष क्या है आपका? समान है। तो इसीलिए सर दिन और महीना अलग हो गया लेकिन वर्ष क्या हो गया आपका? समान हो गया। और सर तीसरा केस तो मुझे जरूरत ही नहीं बताने की, आप खुद देख पा रहे हैं कि यहां पे दिन भी अलग है, महीना भी अलग है और वर्ष भी अलग है। तो तीसरा केस क्या हुआ क्लास आपका? सर तीसरा केस हुआ आपका जब दिन महीना और वर्ष तीनों ही क्या हो आपके? अलग हो। क्लियर है क्लास यहां तक? अरे वाह क्या बात है। चलो कमेंट्स पे बने रहिएगा आप और ध्यान से समझिए आप कॉन्सेप्ट्स को। मैं एक ही क्लास के अंदर पूरे कैलेंडर के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ओके बिल्कुल। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। सर इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे निकालते हैं? सर पहले ये तो बताओ कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं? अभी के लिए इतना मुझे बताएंगे आप। क्या किसी को यहां तक कोई डाउट है? जल्दी से कमेंट करिए क्लास, क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? फास्ट समझ आ रहा है अच्छे से? कैसी लग रही है आपको क्लास? जल्दी से कमेंट कर दीजिए फास्ट, फिर चलते हैं हम आगे। ओके जब तक मैं एक बार पानी पी लूं। चलो ओके ओके नो, चलो ग्रेट ग्रेट क्लास, ओके गुड गुड। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। ओके नो सर ये क्वेश्चन कराओ, बिल्कुल जाजोरिया कराते हैं ये क्वेश्चन। तो देखिए सर कैसे किए जाते हैं ये वाले क्वेश्चंस, यहां देखेंगे आप बहुत ध्यान से। सर यहां पे मैं देखो तीनों केस आपको एक ही साथ क्लियर कराने वाला हूं। देखो पहला केस क्या है? जब आपका वर्ष क्या हो? अलग हो। ठीक है, जब भी आपको वर्ष अलग हो तो आपको क्या करना है क्लास? हमेशा विषम दिन निकालने हैं। और वर्षों के विषम दिन कैसे निकालते हैं ध्यान से समझेंगे आप। कुछ भी नहीं करना आपको, अरे कुछ करना ही नहीं है, बस करना क्या है इनका अंतर ले लीजिए। सर कितना अंतर आएगा? तो देखो 2026 लिखा हुआ है यहां पर और यहां 2015 लिखा हुआ है। हाँ या ना? सर कितने वर्ष का अंतर है इसके बीच में? सर यहां पे 11 वर्ष का अंतर है। हाँ या ना? बिल्कुल सर 11 वर्ष का अंतर है। लेकिन देखो जो हमने 11 वर्ष लिए है ना, इन सभी को साधारण मान के लिया है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर हमने सभी को साधारण मान के लिया है। अगर आपको विश्वास नहीं होता ना तो देखो मान के चलो हर वर्ष आपका क्या है? साधारण वर्ष है। और सर साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। सर हमें विषम दिन तो निकालना है, ऑड डे तो निकालना है। सर ऑड के लिए क्या करते हैं? 7 से भाग देते हैं। और सर देखो जब मैं 7 से भाग दूंगा ना तो देखो 7 एकम 7, अच्छा 7 पंजे 35 और कितना बचा? 1। हाँ या ना? अच्छा 7 दूनी 14, क्या 1 शेषफल नहीं बच रहा? बिल्कुल सर 1 शेषफल बच रहा है। यानी कि मैंने 11 के 11 सालों को साधारण वर्ष माना तो 11 के 11 सालों से हर एक दिन को लगाकर क्या कुल 11 दिन नहीं आ जाएंगे? अरे सर बिल्कुल आ जाएंगे, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। लेकिन क्या आपने लीप वर्ष काउंट करे? सर नहीं। अगर आप लीप वर्ष काउंट करते ना तो लीप वर्ष में तो 2 दिन फालतू होते हैं। क्यों? क्योंकि सर 366 दिन होते हैं। हाँ या ना? बिल्कुल 7 से भाग दोगे तो 2 बचेगा शेषफल, यस और नो? इसीलिए सर आपने यहां पे क्या काउंट नहीं करा? आपने लीप वर्ष काउंट नहीं करे यहां पर। ठीक है, सबका एक एक काउंट कर लिया। तो अब आपको क्या करना है यहां पे? सर कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ लीप वर्ष ऐड कर दो। और सर लीप वर्ष देखो कितना होगा यहां पर, काउंट कर लो फिर जल्दी से। सर 16, सर 20, अरे सर 24। बिल्कुल सर 3 हमारे क्या होंगे यहां पर? सर लीप वर्ष होंगे। सर 3 हमारे क्या
हो गया यहां पर, लीप वर्ष हो गए सर। और जैसे तीन हमारे लीप वर्ष हुए तो देखो 11 और 3 कितना हुआ क्लास, 14 हो गया। 14 को भाग दिया किससे, 7 से, और 7 से भाग देने पर शेषफल कितना बचा क्लास आपका, सर जी 0 बच गया। बात समझ आ रही है क्लास? हाँ, क्या बच गया, 0 बच गया। और 0 का मतलब क्या हुआ, ना आगे जाना है ना पीछे जाना है। अच्छा मान के चलो, अगर आपका 1 बचता, ठीक है आपका 1 बचता तो क्या आंसर देते हैं आप, ध्यान से देखो सर। अगर मेरा 1 बचता ना तो देखो दिन आपको कौन सा दिया गया है, 2015 का, और पूछा कौन सा, 2016 का, तो आपको पीछे जाना है या आगे, सर इसको देखते हुए हमें आगे जाना है, तो प्लस का 1 बोलते और एक दिन आगे काउंट करते तो संडे के बाद में क्या होता आपका, यहां पे मंडे होता। लेकिन सर यहां तो बिल्कुल 0 आ गया, और 0 का मतलब क्या हुआ सर, सर 0 का मतलब हो गया कि यहां पे जो आंसर होगा ना आपका सर वो होगा संडे ही, वो क्या होगा आपका संडे ही होगा। इतना समझ आया, गुड गुड, अरे वाह क्या बात है, अरे वाह डफर मुंडा बिल्कुल संडे ही तो आएगा। चलो क्या इतना समझ आया सभी को, जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या कोई डाउट है किसी को यहां पर, जल्दी से कमेंट करेंगे। मैंने कहा एक क्लास में पूरा कैलेंडर खत्म करना है हमें विद कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे इसके। ओके बिल्कुल, हाँ बिल्कुल राज ऑफिशियल, 0 का मतलब संडे नहीं, मतलब 0 मतलब आपको क्या क्या आगे ऐड करना है, क्या घटाना है। अच्छा 0 का मतलब क्या हुआ, आपको कुछ ऐड ही नहीं करना, मैंने भी बताया ना आपको राज ऑफिशियल। देखो अगर आपका आंसर मान के चलो कि 3 आता, मान के चलो कि 3 आता, तो 3 दिन आपको आगे जाना है पीछे, ये कैसे पता लगेगा सर। देखो 2015 दिया गया आपको संडे, और पूछा गया 2016, तो सर आगे के पूछा गया है तो प्लस का 3 होता, तो 3 दिन और आगे ऐड कर देते तो क्या आंसर होता आपका संडे के बाद में 3 दिन और आगे ऐड करो, सर मंडे, सर ट्यूसडे, अरे सर वेडनेसडे, तो राइट आंसर क्या होता मिस्टर राज ऑफिशियल, तब आपका वेडनेसडे होता, ठीक है। चलो डन है, बिल्कुल सर इतना डन है। चलो चलें आगे सर, अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं सर, यहां पे देखो सर इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से किया जाता है, ध्यान से देखेंगे आप कि सर यहां पर देखो, यहां पर वर्ष तो हमारा समान है तो वर्ष से हमें कोई लेना देना नहीं है। सर यहां पे देखो क्या करना है हमें, सर यहां पर आप ये देखो कि पहले महीने पर आओ, चलो जनवरी है और अगस्त है, सर पहले कौन सा महीना आएगा, सर पहले जनवरी आएगा या अगस्त आएगा, अरे सर पहले जनवरी आएगा, तो एक काम करो लिखो जनवरी, है ना, फिर लिखा मैंने क्या फरवरी, ओके, फिर लिखा मैंने मार्च, फिर लिखा मैंने अप्रैल, तो यहां पर छोटा पड़ेगा जगह, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कि चलो पहले हो गया जनवरी, फिर हो गया फरवरी, फिर हो गया मार्च, फिर हो गया अप्रैल, फिर हो गया मई, फिर हो गया जून, फिर हो गया जुलाई, और फिर हो गया क्लास आपका क्या अगस्त। बात समझ आ रही है, बिल्कुल सर। करना क्या होता है सर, देखो यहां पे हमें यह करना होता है कि देखो इतना समझ आ गया, बिल्कुल सर। अच्छा सर यहां पे देखो, एक तो आपका स्टार्टिंग मंथ है और एक एंडिंग मंथ है, आया ना, बिल्कुल सर, एक स्टार्टिंग का मंथ है, एंडिंग मंथ है। अच्छा स्टार्टिंग के मंथ में क्या करते हैं क्लास, जितने दिन शेष बच गए वो लेते हैं हम, बिल्कुल। तो सर शेष दिन लेंगे यहां पर, शेष, ठीक है, जितने दिन शेष आपके क्या हो गए, बच गए, वो लेंगे यहां पर हम, ओके बिल्कुल सर। तो देखो 26 जनवरी है ना, 26 जनवरी में अभी कितने दिन शेष बच गए सर, 5, 27, 28, 29, 30 और 31, 5 दिन बच गए, तो सर यहां पे क्या लिखेंगे हम, सर यहां लिखेंगे हम 5, क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। अच्छा बाकी सबके हमें वो क्या लेने हैं, ऑड डे लेने हैं, ऑड डे का मतलब क्या होता है सर, सीधा सीधा 7 से भाग दे दो, है ना, जो बचेगा वो आपका हो जाएगा शेष ऑड डे। तो करेंगे कैसे सर, देखो यहां पर प्लस किया, चलो फरवरी का महीना है, हाँ या ना, 2015 है, इसका मतलब कौन सा ईयर आपका, साधारण वर्ष है सर, 28 दिन होते हैं, 28 को 7 से भाग दो, 7 चौक 28 पूरा पूरा गया, कितना बच गया सर 0 प्लस। बात करते हैं मार्च की, 31 दिन होते हैं मार्च में, 7 से भाग दो 28 पे गया, सर 3 बच गया शेषफल। अच्छा बात करते हैं अप्रैल की, अप्रैल में कितने दिन होते हैं क्लास, 30, 30 को भाग दो 7 से, 28 पे गया 2 बच गया, बिल्कुल सर। चलो मई की बात करते हैं सर, मई में कितने दिन होते हैं, 31, 31 में क्या करा 7 से भाग दिया, कितना बच गया 3 बच गया, हाँ या ना सर। प्लस जून में 30 दिन होते हैं तो 2 बच गया,
जुलाई में 31 दिन होते, सर 3 बच गया। सर ये लास्ट में अगस्त में क्या लेंगे? सर अगस्त में क्या लेना होता है हमें, जितने दिन दिए गए हैं ना ये वाले, इनको ऐसे कैसे लिख दो? सर ये लिख दिया मैंने क्या 15, क्या लिख दिया क्लास 15 लिख दिया, बिल्कुल। अब क्या करना है सर, अब सबको ऐड कर दो, तो 5 और 3 8 2 10 3 13 13 2 15 15 और 3 सॉरी 15 15 30 और 3 33 3 हो गया, और 33 को क्लास 7 से भाग देंगे तो कितना बच गया? सर जी ये तो 5 बच गया। सर कितना बच गया ये? सर ये बच गया हमारा कितना? सर 5 बच गया। और सर 5 बच गया शेषफल, तो देखो 5 प्लस का या माइनस का? तो देखो यहां पे क्लास आपको 15 अगस्त दी गई है, दिन दिया गया है यहां पर। अच्छा पूछा गया 26 जनवरी, तो 26 जनवरी पीछे जाना है आगे? सर पीछे जाना है, तो ये बचा कौन सा? माइनस का 5। हाँ या ना? बिल्कुल सर माइनस का 5 बच गया। और जब माइनस का 5 बच गया तो संडे से पीछे 5 दिन जाएंगे या, तो कौन सा आएगा आपका क्लास? तो कॉमन सी बात है सर, शनिवार हो गया, शुक्र हो गया, बृहस्पति हो गया, बुध हो गया, और क्या हो गया आपका? हाँ मंगल। तो ट्यूसडे इज द राइट आंसर, ट्यूसडे इज द राइट आंसर। ओके बिल्कुल दीपक, अरे वाह क्या बात है, मंगलवार होगा, बिल्कुल मानसिंह सुलानिया, गुड। इतना समझ आया? बिल्कुल सर बिल्कुल समझ आया कि यहां पर इस प्रकार से निकालना है। करना क्या है आपको कि जो मंथ आपको दिए हुए हैं स्टार्टिंग से एंड तक लिख दो। हालांकि आपसे इतना ज्यादा गैप नहीं पूछेगा, वो सिर्फ जनवरी से मार्च पूछ लेगा या अप्रैल पूछ लेगा, तो 2-3 महीने लिखोगे और जल्दी चुटकियों में काम आपका हो जाएगा। बात समझ आ गई? बिल्कुल सर, तो इसीलिए राइट आंसर हो गया आपका क्या? मंगलवार। क्लियर है यहां तक? अरे सर बिल्कुल क्लियर है। चलो अब चलते क्लास आगे थर्ड टाइप की ओर, जहां पे दिन महीना अलग है और वर्ष भी क्या है क्लास आपका? अलग है। क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए यहां पर देखो कैसे करते हैं। तो मैं मानता हूं कि क्लास की मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो केस 3 है ना आपका, ये केस नंबर फर्स्ट प्लस केस नंबर सेकंड का कॉम्बिनेशन है, तो इसीलिए आप थर्ड केस का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप देंगे मुझे जल्दी से, और कमेंट में क्लास जल्दी से आंसर दीजिए। सिमरन मीना कह रही है सर आई एम न्यू स्टूडेंट्स, वापिस समझाओ। सिमरन काफी लंबा कॉन्सेप्ट था, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, क्योंकि आज का टारगेट हमारा क्या है, एक क्लास में पूरे कैलेंडर के कॉन्सेप्ट को समझाना, तो इसीलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं हम, ठीक है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आप वीडियो को थोड़ा बाद में देख लीजिएगा और डेफिनेटली आपको समझ आएगा, ठीक है? चलो दीजिए आंसर, केस नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? चलिए हाँ बिल्कुल डफर मुंडा, कि केस ए और केस बी मिलके तो बना है वो वाला, तो एक काम करो पहले इन दोनों को निकाल लो फिर इसका निकाल लो, राइट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है? निकालो जल्दी से। क्या होगा राइट आंसर? ओके हाँ बिल्कुल सिमरन, आप थोड़ा बैक ले जाओ वीडियो को, समझ लो, ठीक है? समझ आएगा डेफिनेटली, ठीक है? जहां पे हमारी बातचीत होती है उसको आप स्किप कर दीजिएगा, तो वापस आप हम तक पहुंच जाओगे। क्लियर है? लाइव पहुंच जाओगे भी तब तक आप जल्दी से आंसर देंगे फास्ट। आंसर दो क्लास जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं आपका। कहीं आप इसको सॉल्व करने तो नहीं बैठ गए? जल्दी बताइए, क्या आप सो कहीं सॉल्व करने तो नहीं बैठ गई क्लास? जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल ट्यूसडे ही होगा। अच्छा सर इतना आपको दिमाग लगाने की जरूरत कहां पड़ रही थी माय डियर स्टूडेंट्स? देखो क्यों आपको तो टाइम लगा? अरे सर देखो यहां पर ध्यान से देखो क्या कि देखो सर 15 अगस्त और 26 जनवरी, सर ये तो हमने पहले सॉल्व कर लिया है, दोबारा सॉल्व करने क्यों बैठ रहे हो? सर सारा सॉल्व करें कितना आंसर आया? सर यहां पर आया हमारा माइनस का 5। हाँ या ना? बिल्कुल सर। और देखो 15 और 26 को हम ऑलरेडी पीछे सॉल्व कर चुके हैं, कितना आंसर आया था क्लास यहां पर? सर यहां पर आया था कितना? 0। तो ये हो गया प्लस कितना? 0। तो फाइनल आंसर क्या हुआ आपका? माइनस 5 ही होगा। और बस संडे में से वापस आप पीछे जाएंगे, संडे में से वापस 5 दिन पीछे जाएंगे, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? सर ट्यूसडे होगा। द राइट आंसर विल बी ट्यूसडे। ओके चलिए, अरे वाह गुड गुड माय लवली स्टूडेंट्स, यू आर डूइंग वेल। मंगलवार ही होगा, बिल्कुल मिस्टर राज ऑफिशियल, मंगलवार ही होगा डेफिनेटली, बिल्कुल डन।
क्लियर है? तो जल्दी से कमेंट करेंगे क्या ये तीनों केस समझ आए आप सभी को, कैसा लगा ये तरीका इस प्रकार से सॉल्व करने का कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सिर्फ विषम दिन से निकाल दूंगा मैं, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। जल्दी से दीजिए आंसर, सॉरी कमेंट कीजिए कि कैसे लगे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए, तब तो मैं आगे चलूं। ट्यूसडे आएगा सर, बिल्कुल सरोज कुमारी ट्यूसडे ही आएगा, आपने सॉल्व किया होगा, आपको सॉल्व नहीं करना चाहिए था, खुद सोच सर पहले सॉल्व करके रखा हुआ है आपने, तो दोनों को ऐड कर देना था बस, और ऐड करते ही आपका आंसर आ जाना था। ओके चलो ट्यूसडे ही होगा मंगलवार, यस सर। ओके हेमंत, अरे वाह सर शूट ले, अच्छा हाँ बिल्कुल, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है क्लास, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। मैं थोड़ा सा दूर हो गया आपकी नजरों से, हालांकि चाहता तो नहीं हूं फिर भी होना पड़ रहा है क्योंकि आपको लेना पड़ रहा है क्या स्क्रीनशॉट। ऑल क्लियर गुरुजी, अरे वाह चलो दीपक, गुड गुड गुड। ओके सर ये क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? सिमरन ये क्लास आपकी 5 बजे स्टार्ट होती है, 5 to 6 होती है आपकी कंप्यूटर स्पेशल, और 6 to 7 मैं ही पढ़ाता हूं आपको क्या रीजनिंग, सॉरी अरे सॉरी 5 to 6 आपका रीजनिंग और 6 to 7 आपका कंप्यूटर होता है। ओके सर आप साइड में हो जाओ, लो भाई लो स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है? दफर मुंडा कह रहे हैं सर जी धुआं धुआं कर दिया। ओके ग्रेट गुड क्लास, चलिए काश कोई होता है मेरी भी फोटो ले रहा होता है ना। तो क्लियर है इतना क्लास? ओके डन, तो सुन रहा है ना तू? चल रहा हूं मैं आगे सर, आज तो धुआं धुआं कर। ओके चलो तो मैं इसको अब आगे लेके चल रहा हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। आई होप ये वाला आपको अच्छे से क्लियर होगा जहां पे डेट मंथ ईयर आपको दिया गया हो, लेकिन क्लास कहीं कहीं पर आपको अगर नहीं भी दिया गया हो ना तो क्या करेंगे, तब क्या करेंगे सर, ये तो दिक्कत हो जाएगी। अरे ना ना ना, अब मेरे स्टूडेंट हो ऐसा कैसे होने दूंगा मैं आपके साथ? अरे सर सीधी सी बात है, आपको आज की डेट तो याद होगी, हाँ या ना? अरे उसको लिखकर निकाल लेना यार, कहां दिक्कत आ रही है? बिल्कुल सर, एडमिट कार्ड में आपके उस दिन एग्जाम वाले दिन आज की उस दिन की डेट लिखी होगी, अरे उसको ऊपर रखकर आंसर निकाल दीजिएगा, चाहे कोई भी डेट पूछी गई हो आपसे आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, यस और नो, क्योंकि आपको प्रेजेंट डे वर्तमान दिन तो पता ही होगा। बिल्कुल चले आगे, अरे वाह सर आपकी भी ले ली टेंशन मत, थैंक यू थैंक यू। चलो मेरी फोटो लेने के लिए धन्यवाद मिस्टर राज ऑफिशियल। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा क्लास आपका सर? वो है हमारा, लीजिए ये रहा कैलेंडर का समान होना, है ना सर? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है हमसे कि सर ये कैलेंडर समान होता है नहीं, कब रिपीट होता है, हाँ या ना? बिल्कुल सर, हमने स्कूल्स में सॉरी कोचिंग्स में पढ़ा है क्या कि सर जब भी है ना आपका नॉर्मल ईयर आ जाए ना तो वो 11 वर्ष पर रिपीट होगा, हाँ या ना? हाँ सर ये पढ़ा है हमने। अच्छा जब भी आपका लीप वर्ष आ जाए ना तो सर वो 28 साल बाद रिपीट होगा, अरे सर क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या हमेशा ऐसा पॉसिबल है? अरे सर नहीं, ये रटी हुई चीजें कभी भी काम नहीं आती है, चीजें होती है वो कोर कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है आपको, तो कभी भी आप गलती नहीं करोगे, कभी भी आप नहीं चुकोगे, जो इस प्रकार से सोचते हो ना वो जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहां पर कैसे होगा इसका आंसर, चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्लास साधारण वर्ष की, ठीक है? चलो अगर हम रिपीटेशन ऑफ साधारण वर्ष यानी कि हमारा साधारण वर्ष दोबारा कब रिपीट होता है अगर ये हमें निकालना हो तो सर कैसे निकालेंगे? रवि यादव कह रहे हैं सर प्लीज रिक्वेस्ट, आपने कंप्यूटर क्लास को यूट्यूब से कहा, समझा नहीं मैं रवि, दोबारा कमेंट कीजिए। ओके चलो बात करते हैं साधारण वर्ष की, अरे वाह सर ये पढ़ा था हमने 11 वर्ष बाद रिपीट होता है, लेकिन सर ये क्या लिख दिया आपने 6 वर्ष। हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी आपका साधारण वर्ष 6 वर्ष बाद भी रिपीट हो जाता है, तो इसीलिए ये है मेरा कॉन्सेप्ट क्या कि सर जो आपका साधारण वर्ष है वो 11 वर्ष बाद रिपीट होता है, लेकिन कभी कभी 6 साल बाद भी रिपीट हो जाता है। लेकिन सर अब ऐसे कैसे बताएंगे हम 6 साल बाद रिपीट होता है, कैसे बताएंगे? तो सर मैं बताता हूं कि 6 साल बाद कब रिपीट होता है, एक छोटा सा एरो आया और इसने दिया आपको आंसर, जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आए या
जिनसे ठीक पहले लीप वर्ष आए। बात समझ आ रही है? चलो अगर नहीं भी आ रही है ना तो मैं समझाऊंगा मैं किस लिए खड़ा हूं यहां पर। ध्यान से देखो क्लास, आप मैंने क्या कहा, जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आए, मान के चलो 2016 आपका क्या है, लीप वर्ष है, हाँ या ना? बिल्कुल। और सर इसके तुरंत बाद में कौन सा वर्ष आया? सर 2017 आया, हाँ या ना? सर ये वाला वर्ष जो होगा ना आपका सर, वो प्लस 6 ईयर्स यानी कि 6 साल के बाद रिपीट होगा। चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं निकले तो गोली से उड़ा दीजिएगा, मुझे मत उड़ाना यार, मैं बाकी लेक्चर कैसे कराऊंगा आपको। चलो देखिए यहां पर इस कॉन्सेप्ट गोली से उड़ा देना का समझ ना आए तो, मैंने क्या कहा, जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आए या जिनसे ठीक पहले, इससे ठीक पहले क्या आ रहा है, लीप वर्ष, तो वो वर्ष हमेशा 6 वर्ष के बाद में रिपीट होगा। इतना समझ आया? बिल्कुल सर। चलो डन है। अगर मैं कहता हूं आपसे क्या कि 11 वर्ष के बाद कब रिपीट होगा, सॉरी 11 वर्ष कब रिपीट करेगा, देखो मैंने कहा कि 2014 लिया मैंने, ठीक है 2014 आपका कब रिपीट होगा, साधारण वर्ष है ना? बिल्कुल सर साधारण वर्ष है। चलो अच्छा अब एक बात मुझे बताओगे आप कि 2014 कब आपका दोबारा से रिपीट होगा, तो मैं यहां पर आपको कुछ ऑप्शंस देने जा रहा हूं और आप देंगे मुझे क्या करेक्ट आंसर। चलिए सर ये रहा पहला ऑप्शन 2022, ओके दूसरा ऑप्शन है 2024, बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर। चलो तीसरा ऑप्शन है 2025, क्लियर है? बिल्कुल सर। और आगे बात करते हैं क्या, तीसरा है 2028, ठीक है चलो तीसरा है आपका, सॉरी चौथा ऑप्शन है 2028, क्लियर है? बिल्कुल सर। अब देखते हैं यहां पर सर, चार ऑप्शन आपने हमको यहां पर दे दिए हैं, बिल्कुल। तो सर देखो सबसे पहली बात कि साधारण वर्ष हमेशा साधारण वर्ष से ही क्या होगा क्लास, रिपीट होगा, ये बात याद रखेंगे। तो सर इसी के साथ में अगर हम यहां पर देखते हैं 2014 एक साधारण वर्ष है, लेकिन सर 28 तो आपका एक लीप वर्ष है, इससे कैसे रिपीट हो जाएगा? सर ऑप्शन से पहले इसको क्या करो, उड़ा दो। और सर 2024 भी तो क्या है आपका, एक लीप वर्ष है सर, ये दोनों तो ऑप्शन में होंगे ही नहीं, बिल्कुल। लेकिन सर अब एग्जाम में हमारा ये फंस गया, कौन सा, कि सर 2022 होगा या 2025 होगा, और मुझे पता है मेरे लवली स्टूडेंट्स ने आंसर दे भी दिया कि सर 2025 ही होगा, हाँ या ना? बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि सर 11 वर्ष ऐड कर दो और सीधा आपका आंसर आ जाएगा, सीधा आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है? बिल्कुल। तो सर राइट आंसर क्या हुआ आपका, 2025, हाँ या ना? बिल्कुल सर 2025 ही होगा। चलो अब इसी के साथ में कुछ और पूछता हूं आपसे, देखता हूं क्या आप उस चीज पर खड़े उतरते हैं, और मुझे उम्मीद है क्लास आप बिल्कुल खड़े उतरेंगे, ओके। चलो लेट्स सी, देखो मैंने यहां पे लिख के भेजा आपको क्या कि बताओ क्लास 2013 है वो दोबारा से कब रिपीट होगा, 2013 है आपका वो दोबारा से कब रिपीट होगा, तो ऑप्शंस ये रहे आपके सामने सर 2018 में, सर 2019 में, हाँ या ना? बिल्कुल 2019 में। अच्छा मैंने कहा 2000 में, ठीक है, या 2024 में, तो राइट आंसर क्या हुआ क्लास, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अपना आंसर। और रुक जा भाई रुक जा, सर ये क्लास 6 बजे तक होगी क्या? बिल्कुल, आज क्लास थोड़ी सी लंबी खींचेगी, ठीक है, आज कंप्यूटर की क्लास ऑफ रहेगी, और इस 2015-25, ठीक है, अरे वाह गुड गुड, ठीक है, तो आज आपकी कंप्यूटर की क्लास क्या रही, क्लास ऑफ रहेगी, मुझे कहीं निकलना है, तो हम चले परदेश, हम परदेशी हो गए, और छूटा हमारा क्वेश्चन तो हम घर बैठी हो गए, घर बैठ जाओ क्लास आप। देखो क्या बोला सर, 2013, सर 2013 एक वो साल है जो तुरंत लीप वर्ष के बाद में आ रहा है, हाँ या ना? और सर 6 वर्ष बाद रिपीट होगा ये, देखो, अरे सर जैसे ही हमने 6 ऐड किया तो यानी कि राइट आंसर क्या हो गया आपका 2019। सर लेकिन हम तो ऐसे नहीं मान रहे, आप तो हमें चेक करा के बताओ, हम ऐसे कैसे मान ले, आपने कह दिया हमने मान लिया। अरे क्लास मैं बताऊंगा, अगर देखो अगर कभी कभी क्या होता है आपको ऑप्शन में ना चीजें मिले समझ आए, और आप चाहते सर कॉन्सेप्ट बताओ तो क्या होगा इसका कॉन्सेप्ट, सर देखिए आप कुछ मत कीजिए, आपको जो भी ऑप्शन दिया होगा ना उस ऑप्शन के सहायता से आप क्या निकालेंगे, लीप वर्ष। और सर लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, सर अभी बताया था आपने, कब बता दो,
केस वन, केस टू, केस थ्री पढ़ाया था ना। केस वन में बताया था मैंने आपको सब दो सालों का अंतर निकाल लो और उसमें लीप वर्ष ऐड कर दो तो वो होंगे आपके लीप, हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो देखो 2013 है आपका सर, 2013 में और 18 में देखो अंतर निकालो कितना अंतर होगा सर, 5 का अंतर होगा, हाँ या ना सर? कितने लीप वर्ष है बीच में सर? सिर्फ और सिर्फ 2016 प्लस 1 करो, बात समझ आ रही है? कितना आया क्लास 6, कितना आया 6। और सर देखो लीप वर्ष कब रिपीट होगा, लीप वर्ष का मतलब क्या, सॉरी वर्ष कब रिपीट होगा उसका मतलब क्या होता क्लास, कि मैंने कहा अगर 1 जनवरी को है ना संडे है ना, तो उस आने वाले वर्ष की 1 जनवरी को भी क्या होना चाहिए, संडे होना चाहिए, यानी कि कोई भी दिन आपका अलग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप वहां पे विषम दिन निकालते हैं, ऑड डे निकालते हैं, तो कभी भी अलग नहीं होने चाहिए। और ऑड डे कब अलग नहीं होता सर? जब आपका शेषफल क्या आएगा, जब हमारा शेषफल आएगा कितना सर? सर जीरो आएगा, शून्य आएगा। जो कई बार हम एग्जाम में ले जाते थे बचपन में, पापा बहुत मारते थे हमें, ठीक है अब नहीं लाना है वो हमें जीरो। सर जब शेषफल जीरो आएगा इसका मतलब क्या हुआ कि सेम डे रिपीट हो रहा है, तो कैलेंडर सेम रिपीट हो रहा है, बात समझ आई? तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया हो उसका बाकी ऑप्शन के साथ में सिर्फ और सिर्फ अंतर निकाल लेना है, और जहां पर अंतर में आपका क्या हुआ क्लास, अंतर निकाल कर लीप वर्ष जोड़ना, यानी कि लीप वर्ष निकाल लेना है, और जहां उसका शेषफल जीरो आ गया समझ जाओ वो क्या होगा, रिपीट होगा। तो देखो क्लास यहां पे कितना आया शेषफल, 6 आया, क्या रिपीट होगा सर? नहीं होगा सर, 24 तो वैसे नहीं होगा, क्यों? ये साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है सर, नहीं होगा। ये भी लीप वर्ष है, नहीं होगा। और देखो 2013 और 2019 में कितना अंतर आया क्लास सर? 6 वर्ष का, प्लस कितने लीप वर्ष हैं सर? 2016 एक ही तो लीप वर्ष है, 1 ऐड किया सर कितना आ गया 7, और सर 7 को भाग दो कितना आ गया 0, शेषफल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे दिन क्या होंगे आपके, समान होंगे। ओके चलिए सर, प्लीज कंप्यूटर रिक्वेस्ट, पटवारी एग्जाम के लिए कंप्यूटर कहां से मिलेगा? हमारा जो बैच है कंप्यूटर स्पेशल का रिकॉर्डेड बैच है, वो लॉन्च कर भी दिया गया। आप ऐप के ऊपर देखिएगा हमारी कौन सी, एवरेस्ट इंस्टीट्यूट अलवर की ऐप पर देखिएगा, और सारी वीडियोस आपको आप कल से वहां पे अवेलेबल हो जाएंगी, परचेज की लीजिएगा। सर प्राइस है उसका 149, 149 रुपए, इतना तो सर आप खाने पीने में निकाल देते हैं। अगर किसी के साथ बैठ के 2 कोल्ड कॉफी पिएंगे ना तो गए आपके 150 रुपए, आया ना? बिल्कुल। तो बस उस बैच को लीजिएगा, बिल्कुल पटवार के आप बैंक देके आ जाइएगा। ओके क्लियर है क्लास? सर चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि काफी कुछ समझना है आज क्लास में हमें। चलो सर इतना क्लियर हो गया आपको? बिल्कुल। लेकिन सर एक बात यहां पर आती है क्या, कि कभी कभी ट्रिक आपकी फेल हो जाती है। अरे सर ये तो दिक्कत आ गई, ये दिक्कत आ गई तो क्या प्रॉब्लम है क्लास? मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी तो समझा दिया, समझाया नहीं समझाया? बिल्कुल सर कॉन्सेप्ट से निकाल लो। लेकिन देखो ये ट्रिक कब फेल होती है, जब आप एक सेंचुरी से दूसरी सेंचुरी में जा रहे होते हैं, बात समझ आ रही है? आपसे 1996 पूछ लिया, ठीक है, अब आप उसके बाद में क्या कर रहे हैं, 2000 पार करके नेक्स्ट सेंचुरी में जा रहे हैं, तो वहां पर ट्रिक काम नहीं करेगी। तो सर इसीलिए हमारी ट्रिक काम नहीं करेगी। तो देखो यहां पर, यहां देखेंगे ध्यान से, 2005 का कैलेंडर है, ठीक है सर, कब रिपीट होगा सर? कॉमन सी बात है, अभी तो बताया आपने कि जो वर्ष आपका 2000 लीप वर्ष के तुरंत बाद में आए वो 6 वर्ष में रिपीट होगा। सर 2004 लीप वर्ष था, तुरंत बाद क्या आया 5, 6 में रिपीट होगा, हाँ या ना? 2006 सर तुरंत बाद पहले क्या इसके लीप वर्ष था? सर नहीं था, 11 में होगा। देखो 2008 आपका लीप वर्ष था ना, तो 9 आपका 6 में होगा, ये लो सर 11 में। 2012 लीप वर्ष था ना, तो इसलिए 13 क्या होगा आपका 6 में होगा, हाँ या ना? बिल्कुल। लेकिन सर ये ट्रिक कहीं कहीं पे काम नहीं करती है, और हमारे सर के ऊपर क्या होते हैं, बड़े काले काले बादल छा जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको बिल्कुल नीला बादल दिखाऊंगा, ये आ गया, ठीक है। यह ट्रिक केवल तभी काम करती है जब हम एक शताब्दी के अंदर घूमते रहते हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल क्लास, ये ट्रिक जब काम आती है जब हम एक शताब्दी में घूमते रहते हैं। और अगर ये ट्रिक नहीं लग पा रही है तो कॉन्सेप्ट लगा दो, समझा दिया, ईयर का लीप वर्ष निकाल लो, बात समझ आई? केस नंबर फर्स्ट समझा रखा मैंने आपको, डन है सर। ओके चलो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। ओके बिल्कुल, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, कि सर आपने हमको कौन सा समझा दिया, सर आपने हमको समझा दिया कौन सा, समान वर्ष। अब सर आते हैं लीप वर्ष पे, सर लीप वर्ष में क्या पढ़ा है हमने, सर 28 साल बाद रिपीट होगा,
ये पढ़ा है ना आपने? सर नहीं, कभी कभी वो 12 साल में भी रिपीट हो जाता है। अगर विश्वास नहीं होता ना तो मैं बताता हूं, देखो ये रहा लीप वर्ष, ठीक है, और ये देखो 28 या 12 वर्ष में रिपीट होता है। लेकिन सर ये 12 वर्ष में कब होता है और 28 में कब होता है? सर ये क्लियर कर दो हमें, बस बात समझ आई? बिल्कुल सर, ये हमें क्लियर कर दो। अच्छा देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं, क्या मैं आपसे कहता हूं कि सर 2012 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा? सर सीधी सी बात है, वो 28 वर्ष के बाद रिपीट होगा। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा इसका? 2012 प्लस 28, सर 2040 में एक कैलेंडर आपका क्या होगा? रिपीट होगा। क्यों? और देखो लीप वर्ष हमेशा लीप वर्ष से ही क्या होता है क्लास? रिपीट होता है। बिल्कुल सर, इतना समझ आ गया कि लीप वर्ष हमेशा लीप वर्ष से ही क्या होता है? रिपीट होता है। डन। चलो सर ये तो बता दिया आपने 28 में रिपीट होगा, सर ये 12 वाला कॉन्सेप्ट क्या है? सर ये समझाओ हमें तो, सर 12 वाला क्या है? तो देखो अगर क्लास, अगर मैं आपसे कहता हूं कि क्लास बताइए मुझे, क्या कि 1890, यहां लिखता हूं इसे मैं, ओके चलिए, कि सर 1890 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा? चलिए बताइए मुझे 1890 का जो कैलेंडर है क्लास वो कब रिपीट होगा? दिनेश भाई बिल्कुल ले सकते हैं। कंप्यूटर क्लास ऑफ रहने दो सर आज। डेफर मुंडा सुधर जाओ। चलो देखो मैं समझाता हूं सर। ओहो देखिए यहां पर अभी बताया मैंने आपको कि सर 2012 कैलेंडर है, लीप वर्ष है, और लीप वर्ष हमेशा लीप वर्ष से रिपीट होगा। हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो 2012 किससे रिपीट हुआ आपका? 2040 से, क्योंकि 28 साल बाद। लेकिन सर यहां देखो 1890 कब रिपीट होगा? 1890 कैसे रिपीट होगा? चलो तो सर यहां पे पता बात क्या आती है, मैं ध्यान से समझाऊंगा और आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास, एग्जाम सर पे है, ठीक है? तो ध्यान से देखें क्लास कि कब होता है हमारा ऐसा। देखिए आप नोटिस कर रहे हो कि जब आप 2012 से 2040 के बीच में हो, ठीक है? बिल्कुल सर। अच्छा या मैं आपसे कहता हूं क्या, या मैं आपसे कहता हूं कि देखो जब भी आप किसी एक वर्ष से दूसरे वर्ष पे जा रहे हैं और बीच में पड़ गई आपकी क्या कोई शताब्दी पड़ गई, जैसे मैंने कहा कि 2000 शताब्दी पड़ गई, बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, 2000 शताब्दी आपकी पड़ गई। जैसे मैंने कहा 1996 कब रिपीट होगा, तो क्लास क्या हुआ आपकी 2000 शताब्दी पड़ गई। तो क्या होगा इस केस में? सर इस केस में आपके 28 साल बाद रिपीट होगा। लेकिन सर अगर आप किसी एक वर्ष से दूसरे वर्ष पे जा रहे हैं और बीच में शताब्दी पड़ गई, कौन सी वाली जो एक लीप शताब्दी नहीं है, जैसे मैंने कहा कि सर 1700 पड़ गई, मैंने कहा सर 1800 पड़ गई, मैंने कहा 1900 पड़ गई, बात समझ आ गई? और तब आप एक वर्ष, एक लीप ईयर को क्रॉस कर रहे हैं, तो वहां पर क्लास आपका 12 साल के बाद में रिपीट होगा। ये मैं कह रहा हूं लिखकर आपसे, चाहे देख लीजिएगा, आप कहीं भी सर्च मार लीजिएगा, कैलेंडर को देख लीजिएगा, ठीक है? क्या था क्लास मैंने, जब आप एक वर्ष से दूसरे वर्ष पे जा रहे हैं और जिस शताब्दी को आप क्रॉस कर रहे हैं अगर वो एक लीप शताब्दी है तो 28 वर्ष में होगा। अगर वो लीप शताब्दी तो 28 वर्ष में होगा और बाकी तो 28 में होता ही होता है। लेकिन क्लास जहां पर आप किसी सेंचुरी को क्रॉस कर रहे हैं और वो सेंचुरी कभी भी आपकी डिवाइड नहीं होती, किससे? 400 से, यानी कि कैसी सेंचुरी आपकी? वो सामान्य या फिर साधारण, ठीक है? तो वहां पर आपका 12 वर्ष का कॉन्सेप्ट लगता है, ये बात याद रखेंगे। तो सर इसीलिए जो आपका कैलेंडर होगा ये कब रिपीट होगा? सर ये रिपीट होगा 1902 के अंदर। कब रिपीट होगा क्लास आपका ये? 1902 में, ठीक है? तो ये कुछ लॉजिक्स होते हैं आपके, बात समझ आई? बिल्कुल, ये 12 साल बाद रिपीट हो रहा है, ये 28 साल बाद रिपीट हो रहा है। डन। बिल्कुल सर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो ये हो गया हमारा कौन सा कि हमारे साल कब रिपीट होते हैं, ठीक है? बिल्कुल गुड 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 क्लास। सर मैं क्लास में आज लेट आया, हमें पता नहीं होता। शिव सिंह आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे
टिक कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम लाइव आते हैं। ओके चलिए उस पर बेल आइकन पे ऑल आएगा, उस पर ऑल पे टिक कर दीजिएगा। क्लियर है क्लास? ओके सर डन। चलो अब चलते हैं सर, शताब्दी के अंतिम दिन कौन से होंगे? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाँ या ना, कि सर शताब्दी के अंतिम दिन कौन से होंगे? तो देखिए क्लास, सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि पहली शताब्दी सोमवार से प्रारंभ हुई थी, ये बात याद रखेंगे। जब कैलेंडर बनाया गया था तो जो पहला दिन था आपका वो कौन सा था क्लास? सर वो था हमारा सोमवार, मंडे। ठीक है, पहला दिन आपका शताब्दी का क्या था या कैलेंडर का कौन सा था? मंडे था। ओके बिल्कुल सर, आगे बात करते हैं। ये दिन अंतिम नहीं होंगे। कौन से सर? हफ्ते में सात ही तो दिन होते हैं। बिल्कुल सर, उनमें से तीन दिन ऐसे होंगे जो आपके अंतिम दिन नहीं हो सकते कभी भी। हालांकि अगर डिटेल में समझना है तो आपको मेरे डिस्क्रिप्टिव बैच के ऊपर आना पड़ेगा, जहां पे रीजनिंग स्पेशल में बहुत डीप में पढ़ाया जाएगा, आपको एक एक चीज क्लियर करी जाती है। लेकिन फिर भी मैं यह पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको कि जल्द से जल्द चीजें समझा जाऊं। तो देखो सर, ये तीन, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि जो तीन दिन होते हैं आपके, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, ये कभी भी आपके अंतिम दिन नहीं हो सकते। बाकी जो चार दिन बचे क्लास, वो आपका कोई भी अंतिम दिन हो सकता है। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सर डन। इसीलिए क्लास कि ये दिन अंतिम दिन नहीं होगा, कौन सा? मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। डन है? बिल्कुल सर, इतना डन है। चलो आगे बात करते क्लास, क्या कि देखो ये दिन प्रथम दिन नहीं होंगे। कॉमन सी बात है सर, अगर ये तीन दिन हमारे साल के या अंतिम दिन नहीं होंगे हमारी शताब्दी के, तो कॉमन सी बात है कि कुछ दिन ऐसे भी होंगे ना जो कभी प्रथम दिन नहीं हो सकते। तो सर वो कौन से दिन हैं? सर वो है ये तीन दिन, देखो यहां पर, रविवार, बुधवार और शुक्रवार। रविवार, बुधवार और शुक्रवार। और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, कि ये शुरू के जो तीन दिन है, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये तीन दिन कभी भी आपके अंतिम दिन नहीं होंगे, और रविवार, बुधवार, शुक्रवार, ये कभी भी आपका प्रथम दिन नहीं होगा। बिल्कुल, तो इसका मतलब कभी एग्जाम में पता कैसे पूछा जाता है आपसे? सर ऐसे पूछा जाता है कि बताइए कि निम्न में से कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा, और यहां पर ऑप्शन डाल दिया जाएगा आपको क्या, सोमवार या कोई और। तो सर आपको पता होना चाहिए कि सर तीन दिन तो आपके अंतिम दिन हो नहीं सकते, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? सोमवार होगा। बात समझ आ गई? बिल्कुल सर समझ आ गई। और कभी एग्जाम में पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा दिन प्रथम दिन नहीं होगा, और यहां लिख के बोल दिया आपको क्या, शनिवार, तो सर बिल्कुल पता है सर हमें ये तीन दिन कभी भी हमारे प्रथम दिन नहीं हो सकते, तो शनिवार इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक? अरे वाह गुड, बिल्कुल 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 सर, सोमवार एक आवाज है जो प्रथम भी होती है, और क्या कह रहे हैं मानसिंह? चलो मानसिंह जो भी आप कहना चाहेंगे ना, वो सारी चीजें मैं बताता हूं, लेकिन अपने डिटेल डिस्क्रिप्टिव बैच के अंदर आप समझ सकते हैं। आज एक क्लास से पूरे कैलेंडर कॉन्सेप्ट समझाने हैं, तो वो चीज समझा रहा हूं मैं आपको जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव बैच लीजिएगा, मजा आ जाएगा, एकदम धुआं धुआं हो जाएगा। आपने कभी ऐसे कॉन्सेप्ट समझे भी नहीं होंगे, देखे भी नहीं होंगे कि ये भी होता है कैलेंडर के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ आरपी की तैयारी करनी है आपको, हाँ या ना? बिल्कुल। चलो पर मैं कहता हूं पटवार भी दिया होगा आप इससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, एक साल या एक महीने में कोई भी दिन कितनी बार आ सकता है, ये क्वेश्चन आता है ना? बिल्कुल सर, कैबरी क्वेश्चन आता है कि एक साल में या एक महीने में कोई भी दिन कितनी बार आता है, तो सर इसको समझा दो अच्छे से एक बार। तो सर यहां समझाता हूं मैं आपको, सबसे पहले बात करते किसकी, साधारण वर्ष की। तो देखो काफी इंपॉर्टेंट है, और आप लास्ट में स्क्रीनशॉट लेके जाइएगा हमेशा हर कॉन्सेप्ट का। देखिए एक साधारण वर्ष, बात करते हैं, हमेशा उस ही दिन पर खत्म होगा जिस दिन पर वो क्या हुआ था, क्लास शुरू हुआ था। कैसे सर? हमें तो यकीन नहीं हो रहा, हमें तो यकीन दिलाओ सर। सर मैं दिलाऊंगा यकीन। सर साधारण वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं, हाँ या ना? होते नहीं होते? बिल्कुल। अच्छा मान के चलो पहला दिन आपका मंडे है, मान के चलो पहला दिन आपका क्या है, मंडे। सर सात से भाग दिया मैंने, तो देखो सर सात पंजे 35, हाँ या ना? एक सात दुनी 14, 52 आया। बिल्कुल, तो सर कितना बच गया? सर एक बच गया, हाँ या ना? इसका मतलब क्या हुआ सर कि इस वर्ष में 52 मंडे तो आने ही आने हैं। बात समझ आ रही है? और एक आ गया आपका, बात समझ आ रही है?
हाँ जी सर, बिल्कुल सर, एक आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट डे क्या होगा आपका, ये लास्ट डे क्या होगा आपका, मंडे होगा। यकीन ना हो तो देख लीजिए कैलेंडर के अंदर खोलकर, ठीक है। हमेशा साधारण वर्ष जो होता है ना, उसका जो पहला दिन होगा वही उसका अंतिम दिन भी होगा। क्यों? क्योंकि सर 364 तक तो आपका देखो पूरा हफ्ता खत्म हो जाएगा, और हफ्ता खत्म कब होगा, जब पहला दिन मंडे था तो लास्ट दिन कौन सा हो जाएगा आपका, संडे। यानी कि 364वां दिन कौन सा होगा आपका, संडे होगा। और बस फिर 365वां क्या हो जाएगा आपका, फिर मंडे हो जाएगा। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, क्लियर है? ओके, जस्ट वेट, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये कह रहा है YouTube इज नॉट रिसीविंग इनफ वीडियो, कि वीडियो काफी इनफ नहीं आ रही है इसमें। रिकॉर्ड हो रहा है ना अभी, इतना कोई इशू नहीं है, डन है, ठीक है। ओके क्लास, डन है इतना? बिल्कुल सर, आज तो मजा आ रहा है। अरे वाह, क्या बात है इसके बाबला, अभी तो मजा दोगुना होगा आपका, देखते जाइए, ठीक है। डन है इतना? बिल्कुल सर। तो साधारण वर्ष में हमेशा उसी दिन पर खत्म होगा जिस दिन पर वो शुरू हुआ था। बिल्कुल सर, इतना समझ आया? सर एक लाइन और ऐड करता हूं मैं यहां पर। तो देखो, साल में हर दिन कम से कम 52 बार तो आएंगे। अभी बताया ना मैंने आपको कि मंडे जो था आपका वो 52 बार तो आएगा ही आएगा, लेकिन 53वें बार कौन सा दिन आएगा क्लास? और पहला दिन 53 बार आएगा। क्यों सर? अभी तो बताया आपने, जो साधारण वर्ष में जो जिस दिन पर खत्म होगा ना वो दिन पर, सॉरी, हमेशा उस दिन पर खत्म होगा जिस दिन पर शुरू हुआ था। अगर मंडे पे शुरू हुआ था तो खत्म भी किस पे होगा? मंडे पे। यानी कि पहला दिन जो था ना वो आपका एक बार और आएगा लास्ट में जाकर। तो 52 बार तो सारे के सारे दिन आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो पहला दिन होगा आपका वो एक बार फिर से आएगा। तो यानी कि पहला दिन हमेशा आपका 53 बार आएगा क्लास, ये इंपॉर्टेंट बात है। हाँ या ना? बिल्कुल सर, पहला दिन आपका 53 बार आएगा। डन है सर, किसमें? साधारण वर्ष में। और चलो नेक्स्ट देखो ये वाला सर, लीप वर्ष हमेशा उस ही दिन से एक अगले दिन पर खत्म होगा जिस दिन से शुरू हुआ था। क्लास क्लियर है? क्या बोला मैंने आपसे कि लीप वर्ष हमेशा उस ही दिन से एक अगले दिन पर खत्म होगा जिस दिन से शुरू हुआ था। कैसे? देखो मैं समझा देता हूं कि मान के चलो 1 जनवरी, ये लो 1 जनवरी लीप वर्ष है ना, 2012 ले लिया मैंने, मान के चलो, ठीक है। अच्छा, पहला दिन क्या था इस दिन? वार था आपका ट्यूसडे, ठीक है, बजरंग बली का वार था। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। चलो जोक सपाट, तो सर ट्यूसडे हो गया यहां पर, बिल्कुल। अच्छा सर देखो, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? सर जी 366 दिन होते हैं। सर 7 से भाग 2, हमें तो ऑड डे निकालने हैं। आपने बोला सर सारे क्वेश्चन ऑड डे से हो जाएंगे, और मैं गारंटी देता हूं सारे क्वेश्चन आपके ऑड डे से हो जाएंगे। सर देखो, जैसे भाग दिया तो कितने पे गया क्लास? ये गया आपका देखो 7 × 5 = 35 है ना, बिल्कुल। अच्छा, 2 यहां पे गया 26 बन गया, सॉरी 1 गया 16 बन गया, तो 7 × 2 = 14 कितना बच गया? 2। तो सर इसका मतलब यहां पर आपका 2 क्या बच गया? 2 आपका बच गया यहां पे क्या? शेषफल। बात समझ आई? बिल्कुल। तो देखो, अगर ट्यूसडे से दिन शुरू हुआ था तो 52 हफ्ते तो पूरे हो गए। हाया ना? बिल्कुल सर, ट्यूसडे 52 बार तो आएगा ही आएगा, आएगा ना, बिल्कुल। अच्छा, ट्यूसडे पे खत्म हुआ है, सॉरी शुरू हुआ है, तो खत्म किस पे होगा क्लास? 52 हफ्ते कब खत्म होंगे? एक दिन पहले, यानी कि मंडे को। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, मंडे को। आया ना? अरे लो यार, लो मंडे को। तो इसका मतलब क्लास, इसका मतलब क्या हुआ क्लास? अगला दिन यानी कि 365वां दिन, और 366वां दिन कौन सा होगा सर? 365वां दिन होगा आपका कौन सा? ट्यूसडे होगा फिर से। हाँ या ना? और 366वां दिन कौन सा होगा क्लास आपका? सर वेडनेसडे होगा। हाँ या ना क्लास? बिल्कुल सर, वेडनेसडे होगा। तो यही तो बोला मैंने कि देखो, लीप वर्ष हमेशा उस ही दिन से एक अगले दिन पर, उसी दिन से एक अगले दिन पर खत्म होगा जिस दिन शुरू हुआ था। शुरू कब हुआ? ट्यूसडे को। खत्म कब हुआ? ट्यूसडे से अगला दिन, सर वेडनेसडे को। हाँ या ना? बिल्कुल सर। सर ये रिपीट करना, चलो दीपक मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखिए क्लास ध्यान से। मैंने कहा लीप वर्ष लेना है, अच्छा तो देखो, मैंने कहा 1 जनवरी 2012 आपका क्या हो गया? एक लीप वर्ष। हाँ या ना? बिल्कुल दीपक, ध्यान से देखो, और 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में, होते नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अच्छा, मैंने कहा चलो मंडे, यानी के सोमवार है इस दिन,
एक तारीख को, 1 जनवरी को क्या है क्लास? सोमवार है, ठीक है? बिल्कुल सर, सोमवार है, क्या दिक्कत है? चलो अगर सोमवार है तो देखो क्लास, यहां पे देखो टोटल कितने दिन होते हैं, 366 दिन। सर एक काम करते हैं, 7 से भाग देते हैं। 7 से भाग दिया, चलो सर 7 से भाग देने में कितना आया? सर ये पूरा पूरा गया किसके ऊपर? 52 से गया। 52 से गया, यानी कि 52 हफ्ते हो गए, और हर हफ्ते में एक बार तो मंगलवार आएगा आपका, सॉरी सोमवार आएगा, आएगा ना? बिल्कुल दीपक। तो यानी कि मंडे आपका 52 बार तो आ ही गया, आ गया 52 बार, हर हफ्ते में आएगा, 52 हफ्ते हो गए। अच्छा 364 पे गया पूरा पूरा, कितना बची है क्लास आपका यहां पर? सर यहां हमारा 2 शेषफल बच गया। कितना बच गया? 2 शेषफल, यानी कि अभी 2 दिन और बाकी हैं, 2 दिन अभी और बाकी हैं। और देखो जब 2 दिन बाकी हैं आपके, तो क्लास अगला दिन क्या होगा आपका? सर अगला दिन क्या होगा? सर कॉमन सी बात है, फिर मंडे से स्टार्ट होगा, है ना? यानी कि देखो टोटल यहाँ पे 52 हफ्तों तक कितने दिन कंप्लीट हो गए आपके? सर हमारे यहाँ पे 364 दिन कंप्लीट हो गए, अभी तो बताया आपने। अब कितने दिन बच गए? 2। और वो दिन कौन कौन से हैं? सर वो है, एक तो 365 दिन है और एक 366 दिन है, हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो यानी कि 364 दिन में 52 हफ्तों में मंडे आपका 52 बार तो आ ही गया, खत्म। अगला दिन कौन सा होगा अब आपका? मंडे के बाद में ट्यूसडे है ना, तो 365वां दिन कौन सा होगा क्लास आपका? सर 365वां होगा हमारा कौन सा? ट्यूसडे। और 366वां कौन सा होगा? सर जी वेडनेसडे। बात समझ आ रही है? ठीक है, बिल्कुल लाइफ में कंजूसी मत कीजिए क्लास, ठीक है? बात समझ आई कि मंडे था आपका, और यही तो बोला गया था क्लास कि देखो लीप वर्ष में हमेशा उस ही दिन से एक अगले दिन पर खत्म होगा जिस दिन शुरू हुआ था। शुरू कब हुआ था क्लास? एक मिनट, सॉरी, छोटी सी मिस्टेक कर दी हमने जल्दी जल्दी में। दीपक ध्यान से देखो, ठीक है, आप खुद सोच के देखो, 52 हफ्ते खत्म हुए, यानी कि मंडे शुरू होता है तो एंड कहां पर होता है आपका? सर मंडे से पहले क्या होगा? संडे तो होगा, तो संडे पे क्या हुआ होगा आपका? ये एंड हुआ होगा, है ना? फिर नेक्स्ट वीक फिर कैसे चलेगा? अगला हफ्ता फिर कैसे चलेगा? सर मंडे से चलेगा। तो इसका मतलब 365 पे क्या आया आपका? मंडे आया, ओके। और 366 पे क्या आया आपका क्लास? ट्यूसडे आया, ठीक है? वो भाई मिस्टेक गलत लिख दिया था मैंने, ठीक है, बिल्कुल। तो सर इसीलिए ध्यान से देखो दीपक कि मंडे आपका 52 बार तो आ ही गया ना 52 हफ्तों में, अब एक बार और आ गया और ट्यूसडे और आ गया। तो इसका मतलब कि जो शुरू के 2 दिन थे इसके, शुरू के 2 दिन, तो पहला दिन सोमवार था तो दूसरा क्या था? मंगलवार। तो इसलिए एंड में भी क्या हुआ कि सोमवार मंगलवार फिर से आए, यानी कि लीप वर्ष में प्रथम 2 दिन आपके 53 बार आएंगे, और बाकी सब कितने बार आएंगे क्लास आपके? 52 बार आएंगे। तो इसीलिए इस सब को छोड़ते हुए मैं आपको यहां पर एक छोटी सी स्क्रीन दे देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखो साल में हर दिन कम से कम 52 बार तो आता है, साल में हर दिन कम से कम 52 बार तो आएगा ही, लेकिन लीप वर्ष में क्या हुआ? लीप वर्ष में क्लास 365 और 366 2 दिन हुए ना, तो शुरू के 2 दिन फिर से रिपीट होंगे, बिल्कुल। तो पहला तथा दूसरा दिन 53 बार आएगा, पहला तथा दूसरा दिन कितनी बार आया क्लास? 53 बार आएगा। क्लियर है यहां तक? डन, बिल्कुल सर, चलो। अरे वाह क्या बात है, ठीक है दीपक, समझ आ गया इतना, चलो आगे चलें। अरे सर कुछ समझ नहीं आया, कंफ्यूज कर दिया सब कुछ। संजय कंफ्यूज कैसे हो गए? संजय कोर कॉन्सेप्ट है, डिटेल समझो, वरना मैं रटवाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह दूं आपसे क्या कि साधारण वर्ष का पहला दिन है ना वो 53 बार आएगा जो मैंने बोला हुआ यहां पर, और बाकी दिन आपके 52 बार आएंगे। लीप वर्ष के अंदर पहले 2 दिन 53 बार आएंगे और बाकी आपके 52 बार आएंगे। क्यों आएंगे वो मैं समझा चुका हूं आपको, एक बार फिर से वीडियो देखिएगा बैक करके। डन इतना, चलो चले आगे। अगर फिर भी डाउट लगता है आपको, सर हमें कॉन्सेप्ट नहीं समझना, हमें तो सीधा ट्रिक बता दो, तो सर ट्रिक आपके सामने ये देखो लिखी हुई है। सर ये रही पहली ट्रिक, ठीक है, और सर दूसरी ट्रिक ये रही, बस खत्म बात। इसको रट लीजिएगा, दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। क्लियर है यहां तक? चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं फिर आगे। अः
आज कंप्यूटर क्लास ऑफ है, ठीक है, मुझे बस निकलना है, इस कॉन्सेप्ट को फिनिश करा के एक बार मैं फिर निकलता हूं, ओके, इसीलिए जल्दी से फिनिश करो इसे, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे इसके। चलिए नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है आपका कैलेंडर का, कि जहां डेट मंथ ईयर नहीं दिया गया हो। सर ये थोड़ी दिक्कत है। अच्छा देखो, अगर आप बच्चों थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, ठीक है, उससे क्या होगा, कितना ही पुराना कैलेंडर हो आपको, कितना ही पुराना कैलेंडर डेट पूछ ली जाए, आप उसका आंसर दे देंगे, लेकिन 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 ठीक है, उसके लिए आपको मेथड आना चाहिए। अदरवाइज तो क्या है, आपको कोई भी डेट दे दी जाए, ठीक है, सॉरी पूछ ली जाए, डेट नहीं दी गई है तो आज की डेट मानो और आंसर दे दो। दे सकते हैं, बिल्कुल सर दे सकते हैं। चलो आ गया, अब आज और आते ही क्लियर हो गया। चलो ओहो एक मिनट क्लास, जस्ट वेट, ओके, लैपटॉप में चार्जिंग गई और मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक मिनट क्लास, जस्ट वेट, ओके, जस्ट वेट। एक मिनट क्लास, मैं अपने फोन में लाइव कमेंट देख लेता हूं, जस्ट वेट, ओके। ये स्क्रीन ऑन कर देना एक बार, क्या चार्ज नहीं लगाया था ना मैंने बीच में, तो कमेंट। चलिए ओके, तो देखिए क्लास, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, यहां देखिए ध्यान से, अभी मुझे कमेंट विजिबल नहीं है। चलो सर मैंने एक डेट दे दी डायरेक्ट, क्या कि 5 मार्च 2015 को, 5 मार्च 2015 को कौन सा वार होगा, ठीक है। अच्छा हम चाहते हैं सर हम किसी की सहायता ना ले, किसी दिन की सहायता ना ले, बिना किसी दिन की सहायता लिए हुए हम आंसर निकाल सकते हैं सर, कैसे, देखो। अच्छा एक काम करते क्लास, एक काम करते हैं, कैसे निकालेंगे, अच्छा इसके लिए थोड़ा डिटेल और डिस्क्रिप्टिव समझना पड़ता है, फिर भी छोटी सी ट्रिक समझाऊंगा आपको और आपको डेफिनेटली उससे क्लियर हो जाएगा। सर देखो यहां देखो, बात करते हैं ईयर्स की, ठीक है सर, देखो बात करते हैं ईयर्स की, ध्यान से समझेंगे आप क्या होगा। देखो जो आप कोड करते हैं ना 5310 कोडिंग करते हैं, वो क्या होती है ध्यान से देखो सर, पहला 100 साल है आपका, ठीक है। चलो पहले 100 साल के अंदर कितने ऑड डे होंगे, कितने विषम दिन होंगे, तो एक काम करते हैं सर, आपको मैंने ईयर का ऑड डे निकालना सिखाया केस नंबर 1 के अंदर, कैसे, पहले साल ले लो, 100 है ना, 100 ले लिया प्लस इसमें कितने लीप वर्ष होंगे सर, 24 होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल सर इसमें 24 होंगे, कुल कितना हो गया सर 124, और 124 को 7 से भाग देंगे, तो देखो क्लास 7 से भाग दिया तो कितना आया, 7 एकम 7, 5 गया 54 बच गया, 749 सर 5 बच गया सर, ये हो गया 5, बात समझ आ रही है, बिल्कुल सर 5 हो गया ना, हाँ क्यों सर 24 क्यों लिया, ये मैं आपको ऑलरेडी केस नंबर फर्स्ट में बता चुका हूं कि जो 100 साल लिए ना आपने, इन सबको आपने साधारण माना है, लेकिन बीच में 24 भी तो आते हैं, पहले 100 साल में लीपर्स आते नहीं आते हैं, समझाया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, चलो सर समझ आ गया इतना, तो आगे चलते हैं सर, 200 साल है ना, बिल्कुल सर, अरे सर प्रथम 200 सालों में, प्रथम 200 सालों में कितने लीपर्स और आते हैं सर, 48 आपने स्टार्टिंग में बताया था, तो ये कितना हो गया 248 डिवाइड किया किससे, 7 से, सर 7 21 बचा कितना क्लास, सर बचा 3 और 38 बन गया, 7 5 35 कितना बच गया, 3 बच गया, आया ना सर, ये 3 आ गया, बात समझ आई, बिल्कुल सर ठीक इसी प्रकार से आप 300 करेंगे, 300 प्लस कितना करेंगे सर, फिर था आपका कितना 72 था, और इसको ऐड करके भाग दोगे 7 से तो 1 बचेगा, और 400 में कितना ऐड करेंगे 97, और देखो 497 पूरा पूरा 7 से आपका भाग जा रहा है, इसलिए क्या हुआ 0, और फिर देखो जब 500 लेंगे आप तो क्लास 500 में फिर और ऐड करेंगे, तो देखो आप ध्यान से देख रहे हो इस प्रकार से कि हर बार जो आपका कोड होगा ना वो इन इन 4 के बाद रिपीट होगा, इन 4 के बाद क्या होगा क्लास रिपीट होगा, इसका मतलब क्या था क्लास कि जो कैलेंडर बनाया गया था सिर्फ कैलेंडर में 400 साल ही बनाए गए थे, उसके बाद में कोई साल नहीं बनाया गया, और वही 400 साल आपके हर बार क्या होते रहते हैं क्लास रिपीट होते रहते हैं। मैं एक बार कमेंट देख लूं, ओके जस्ट ओके जस्ट वेट ओके 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 मैं एक बार कमेंट्स ओपन कर लेता हूं क्लास, ओके जस्ट वेट
एक मिनट के लिए बस, ओके, एक मिनट भी नहीं, 10 सेकेंड लगेंगे। ठीक है ठीक है, डन, कमेंट्स आ गए मेरे पास, मैं देख पा रहा हूं आपके कमेंट्स को। ओके ठीक है, गुड। तो क्लास इतना समझ आया कि जो कैलेंडर बनाया गया था उसमें हमें सिर्फ 400 साल ही बनाए गए थे और उसके बाद में कोई भी साल नहीं बनाया गया, और वही 400 साल हर बार रिपीट होते हैं। तो देखो 400 तक जीरो हो गया ना, 5 3 1 0, 800 तक 5 3 1 0, तो ऐसे देखो 1200 तक भी क्या होगा आपका 5 3 1 0, 1200 पे क्या आएगा आपका, फिर जीरो हो जाएगा। बात समझ आ रही है सर? 1600 पे क्या हो जाएगा आपका, फिर जीरो हो जाएगा। सर 2000 पे क्या हो जाएगा आपका, सर 2000 पे कितना होगा, जीरो हो जाएगा। बात समझ आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, क्या दिक्कत आ रही है, आया ना? बिल्कुल सर। तो देखिए बस ये कॉन्सेप्ट आपको यहां लगाने होते हैं, और कैसे देते हैं आंसर ध्यान से देखेंगे आप। 5 मार्च है यहां पर, है ना, बिल्कुल, और सॉरी 2015 है। तो क्या किसी का आंसर आया क्लास? मैं देख रहा हूं, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। ओके लव यू एसके बाबला। सर मुझे क्लास का पूरा टाइम टेबल बता दो। सिमरन मीना, सिमरन जो हमारा रीजनिंग की क्लास होती है, ओके, उसका जो टाइम टेबल है वो है क्लास, सॉरी सिमरन, 5 to 6, ओके, एंड उसके बाद में कंप्यूटर स्पेशल होता है हमारा, उसी क्लास होती है 6 to 7, ठीक है। चलिए बाकी जो क्लासेस हैं आपकी, बाकी जो क्लासेस है शेड्यूल है इसके अंदर आप देख सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपके उनके आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जल्दी से इसका इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फास्ट आप, ओके। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी अगर आपको फुल डिटेल जाननी है तो क्लास एक बार मैं और अपनी टेक्निकल टीम से मैनेजमेंट से बात करके और कल इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको क्लास के अंदर दे दूंगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए तो क्लास देखो कैसे देते इस क्वेश्चन का आंसर, ध्यान से देखो। सर कुछ नहीं करना होता हमें, देखो मार्च है ना, तो स्टार्ट करते हैं जनवरी से, जनवरी फरवरी और मार्च, ठीक है। चलो सर ऑड डे निकाल लो, विषम दिन जो हमेशा बोलता हूं, और सर जनवरी में 31 दिन होते हैं ना, 31 को भाग देंगे किससे, सर 7 से, कितना बचा सर, 3 बच गया, हाँ या ना? बिल्कुल सर, प्लस। अच्छा फरवरी में आपको हमेशा जीरो ही लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि देखो अगर कोई वर्ष आपका लीप आया तो आप 29 को भाग देंगे 7 से, तो एक शेषफल बचेगा ना, आप यहां पे एक ले लोगे, लेकिन आपको एक नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि यहां पे जो लीप वर्ष होगा ना आपका, वो आगे हम काउंट कर लेंगे, तो ये बात याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डालिएगा कहीं पर भी, कि जब आप डायट निकालते किसी क्वेश्चन का आंसर इस कैलेंडर के अंदर डे बताते हैं, तो फरवरी में आपको हमेशा क्या लेना पड़ेगा क्लास, जीरो लेना पड़ेगा प्लस। अच्छा मार्च है, मार्च में जो दिन दिया वो एज इट इज ले लो, 5 का 5 ले लिया, आया ना? बिल्कुल सर। चलो इसका मतलब देखो क्लास कि यहां पर क्या हुआ कि 2015 में से हमने जो सॉरी 2015 तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, तो 2015 में सिर्फ मार्च के 3 महीने तो थे, आया ना? अब इससे पीछे कितने साल बच गए सर, 2014, तो हमेशा इसमें से क्या करेंगे क्लास, आप एक कम करके लेंगे, तो यानी कि अब जो आपको आंसर देना है वो 2014 से देना है, और 2014 से देखो क्लास इनकोडिंग पर आएंगे, तो देखो अभी बताया सर 1200 क्या होता है, जीरो होता है ना, सर 1600 क्या होगा, जीरो, इस प्रकार से, तो देखो 1200 इस प्रकार से आया ना, फिर नेक्स्ट 2000 क्या होगा आपका, जीरो होगा, तो देखो इसको क्या मैं तोड़ नहीं सकता ऐसे, कि सर ये हो गया 2000 प्लस में 14, आया ना? बिल्कुल सर। और सर 2000 का क्या होता है कोडिंग, सर 2000 की होती है जीरो, अभी तो बताया हमने यहां पर, आया ना? प्लस यहां पे कितना लिखा हुआ क्लास, 14, चलो 14 तो ये ले लिया मैंने, ठीक है, लेकिन इसमें लीप वर्ष भी तो काउंट करते हैं हम, आया ना? केस नंबर फर्स्ट पढ़ाया था मैंने अभी आपको, और लीप वर्ष कैसे काउंट करते हैं, तो देखो 2000 तक तो हमारा हो चुका है, अब 2000 के बाद में काउंट करो लीप वर्ष, 2004 2008 2012, दैट्स इट, तो सर कुल 3 हो गए, आया ना? 14 और 3 कितने हो क्लास, यहां पर 17 हो गए, बात समझ आई, यहां 17 हो चुका है आपका, यहां कितना है 5 और 3 क्लास कितना हो गया आपका सर, 8 हो गया,
क्लियर है इतना? बिल्कुल। 17 और 8 ऐड कर दो क्लास, और 17 और 8 जब हम ऐड करेंगे तो ये बन गया कितना, 25। 25 को भाग दिया किससे, 7 से, और 7 में क्या हो गया आपका क्लास, कितना हो गया 7 21, और कितना बच गया 4, कितना बचा क्लास 4। और यहां पे अब लगेगा वो कॉन्सेप्ट, कौन से वाला सर, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन से वाला, देखो ध्यान से कि सर आपने एक बात बोली थी हमको पढ़ाते टाइम, क्या कि साल का जो पहला दिन था ना, कैलेंडर का जो पहला दिन था, जो फर्स्ट डे था सर, वो मंडे था। दूसरा दिन कौन सा था आपका सर जी, ट्यूजडे था। तीसरा दिन कौन सा था आपका सर, वेडनेसडे। और सर चौथा दिन कौन सा था आपका सर, वो था थर्सडे। तो यहां पे 4 आया नहीं आया, बिल्कुल सर, इसीलिए इसीलिए जो थर्सडे हो गया आपका, दैट विल बी द राइट आंसर, एंड द थर्सडे विल बी द राइट आंसर। ओके क्लास, चलिए क्लियर है यहां तक, डन। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, डिटेल डिस्क्रिप्टिव में समझ अच्छे से आ जाएगा। फिर भी आप कोई भी क्वेश्चन देखो, यहां पर आसानी से निकाल सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन हो आप आसानी से यहां पर उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो इस कॉन्सेप्ट से फिर से आंसर दें हम। चलो सर एक काम करते हैं, फिर से हम आंसर देते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन दो मैं आपको क्लास, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, ठीक है, ओके। हमारा इंडिपेंडेंस डे तो आपको याद ही है, बिल्कुल सर हमारा इंडिपेंडेंस डे तो हमें याद ही है। तो सर चलो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने कि 15 अगस्त 1947 को हमारा कौन सा डे था, 15 अगस्त 1947 को हमारा कौन सा डे था, जल्दी से आंसर दीजिए फास्ट कमेंट बॉक्स में। चलिए, और क्लास एक इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए कि कल की क्लास में हम आपको काफी इंपॉर्टेंट जानकारी सूचना देने वाले हैं कि कौन कौन सी क्लासेस की प्लेलिस्ट कैसे मिलेंगी आपको, और क्या उनका टाइम का शेड्यूल होगा, क्या टाइमिंग होगी। जितनी भी इंफॉर्मेशन से कल की क्लास में आपको जरूर दे दी जाएगी, तो आप प्लीज कल की क्लास अटेंड कीजिएगा, ठीक है। लाइव क्लास लिया कीजिए, लाइव का मजा ही अलग होता है। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, प्लीज वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ओके। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप जल्दी से फास्ट, काफी अच्छा क्वेश्चन है, हमारा इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है। चलो, यू टीच वेरी वेल डियर सर, एंड अगेन थैंक्स, थैंक यू दीपक सर, एक बार रिपीट कर दो, ठीक है विकास मैं भी रिपीट कर दूंगा। हाँ मैं मानता हूं ये फाइनल सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट जो काफी डिफिकल्ट होता है, इसके लिए फुल डिटेल समझनी पड़ती है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन के माध्यम से कि किस प्रकार से हम इसका आंसर देंगे, ठीक है। चलो देखो यहां पे, चलो क्वेश्चन लेते हैं सर, अगस्त है ना, चलो मंथ स्टार्ट कहां से लेंगे हम सर, सर जनवरी, देखो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, क्या चक्कर है, मिक्स आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, जून, जुलाई और अगस्त, ओके। चलो सर यहां देखो, ध्यान से देखेंगे सर, जनवरी है, जनवरी में कितने ऑड डे होंगे सर, 31 का महीना है ना, 7 से भाग दो 3 बच गया, यहां पर हमेशा 0 लेना है। मार्च में 31 होते हैं तो 3, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 2 बचेगा, हाँ या ना, बिल्कुल सर 2 बचेगा। मई में कितने होते क्लास, 30 दिन, 31 दिन बचेगा, जून में 2 बचेगा, जुलाई में 3 बचेगा, और अगस्त में जो दिन दिया हुआ ऐसे कैसे ले लो आप, 15 का 15 ले लिया सर, 1947 कवर कर लिया, बिल्कुल। अब हमको 1947 ना लेकर क्या लेना है, 1946 लेना है, क्योंकि 47 तो हम ले चुके हैं ऑलरेडी, यस और नो, बिल्कुल सर। चलो एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 15 और 3 18 और 2 20,
तीन 23, दो 25, 25 और तीन 28, 28 और तीन कितना हुआ क्लास 31, और 31 को 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा क्लास 3 बचेगा। हाँ या ना, बिल्कुल सर 3 बचेगा। अब एक काम करते ईयर को सॉल्व कर लेते हैं। सर देखो ईयर को सॉल्व करने के लिए क्या इसको मैं ऐसे नहीं तोड़ सकता? सर देखो 1600 + 300 + 46, हाँ या ना, तोड़ सकता हूं ना। क्यों तोड़ा सर? क्योंकि मुझे कोडिंग याद है यहाँ की। देखो सर 1600 पे कितना आएगा आपका? सर 1600 अभी बताया आपने, जीरो हो जाता है। क्यों? देखो हर बार देखो 400 पे जीरो हो गया, 800 पे जीरो, 1200 पे जीरो, 1600 पे जीरो, सर जीरो हो गया। प्लस सर 300 पे क्या आएगा? सर 300 पे आएगा 1। हाँ या ना, बिल्कुल सर। और सर बात करते किसकी, 46 की। तो 46 का तो 46 लिया हमने। अच्छा 46 का एक काम करो, तुम 7 से भाग दे दो, 7 से भाग दे दो, ठीक है ना, भी तो लो 46 ले लो। प्लस कितने लीप वर्ष होंगे क्लास, कितने लीप वर्ष होंगे जल्दी से बताएंगे आप, कितने लीप वर्ष होंगे? ठीक है सर, कॉमन सी बार 4 से भाग दो, 11 × 44 11 हो गए सर, 11 हमारे क्या हो गए, लीप वर्ष हो गए। हाँ या ना, बिल्कुल सर 11 हमारे हो गए लीप वर्ष। और देखो 46 में 11 ऐड किया कितना हो गया सर, ये हो गया आप कितना 57 और एक 58 सर 58 हो गया, 7 से भाग दिया, 7 × 8 = 56 सर 2 बच गया। हाँ या ना, बिल्कुल सर 2 बच गया, बचा नहीं बचा, बिल्कुल सर। और सर देखो जब 2 बच गया तो अब क्या करेंगे, इस वाले 2 को ऐड कर देंगे। हाँ या ना, ये वाला 2 हो गया और ये वाला 3 हो गया, तो सर 2 + 3 कितना हो गया सर, 5 हो गया। और सर 5 पे क्या आएगा? सर अभी तो बताया आपने, एक पे मंडे आता, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे, 4 पे थर्सडे, और 5 पे क्या आएगा हमारा क्लास, सर 5 पे आएगा फ्राइडे। तो जिस दिन हमें अंग्रेजों से मिली थी क्या आजादी, वो दिन कौन सा था सर? शुक्रवार, फ्राइडे था वो दिन। ठीक है, बिल्कुल सर फ्राइडे था वो दिन। क्लियर है यहां तक? डन। अरे वाह, चलो एक बार कमेंट देख ले। हाँ शुक्रवार था, बिल्कुल अंजुम खान, डन। अब समझ आया? थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट था ये वाला। चलो क्लियर है इतना? ठीक है, आई थिंक इतना समझ आ गया होगा आपको। ओके अच्छा, कभी कभी क्लास आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना, कि आपको मैंने साल का समझा दिया कि कौन सा साल आपका रिपीट होता है, सॉरी एक दिन में, सॉरी एक साल में कौन सा दिन आपका कितनी बार आता है, पढ़ चुके हैं आप ऑलरेडी। अच्छा कभी कभी आपसे महीने में पूछ लिया जाता है, कॉमन सी बात है। बिल्कुल सर, कभी कभी हमसे मंथ में पूछ लिया जाता है कि एक मंथ में कौन सा दिन कितनी बार आता है। और क्लास देखो जब आपसे मंथ पूछा जाता है ना, बिल्कुल, तो सर मंथ में आप अच्छे जानते हैं सर, कम से कम मिनिमम 4 हफ्ते होते हैं आपके, ठीक है 4 हफ्ते होते हैं, और होते ही हैं, कुछ दिन फालतू होते हैं, बिल्कुल सर। चलो अब 4 हफ्ते होते तो इसका मतलब क्या हुआ सर, हर दिन हर हफ्ते में एक बार तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल सर। तो हर दिन आपका देखो कम से कम 4 बार तो आएगा ही आएगा, बात समझ आ रही है? हाँ जी सर, बात समझ आ रही है। तो सर देखो अगर 4 दिन बार आएगा तो मान के चलो पहला आपका दिन हो गया मंडे, ठीक है चलो, तो यानी कि 28 तारीख तक तो ये रिपीट हो जाएगा, ठीक है सॉरी कंप्लीट हो जाएगा पूरा एक हफ्ता। अब नेक्स्ट डे कौन सा आएगा आपका, 29, बात समझ आ रही है? बिल्कुल, तो 29 को क्या होगा सर, सर ट्यूसडे स्टार्ट हो जाएगा। हाँ या ना, बिल्कुल। फिर 30 को क्या होगा क्लास, फिर वेडनेसडे हो जाएगा। 31 को क्या होगा आपका सर, थर्सडे हो जाएगा, बात समझ आ रही है? अगर आपसे पूछ लिया गया, आपसे पूछ लिया गया कि फलाने मंथ के अंदर मंगलवार कितनी बार आएगा, तो जैसे अगर मंगलवार पूछ लिया गया तो सर अगर आपको पहला दिन पता लग जाए ना, सिर्फ पहला दिन पता लग जाए, तो सर आप उसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्लास क्या, कि सर बताओ कि अप्रैल 2015 के महीने में बुधवार यानी कि वेडनेसडे बुधवार कितनी बार आएगा, अगर सर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो सर आप कैसे आंसर दोगे? तो सर सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे सर, हम एक काम करेंगे, हम इसका पहला दिन काउंट कर लेंगे या कैलकुलेट कर लेंगे, बस पहला दिन निकाल लो आप, ठीक है सिर्फ पहला दिन निकाल लो आप, ठीक है एक मिनट, हाँ सिर्फ पहला दिन निकाल लो आप। ओके, जैसे आप पहला दिन निकालेंगे, अगर मान के चलो पहला दिन आपका क्या आ गया सर, पहला दिन हमारा आ गया मंगलवार, ये तो निकालना सिखा चुका हूं मैं आपको सर, मंगलवार आ गया डेफिनेटली, है ना। अच्छा तो यानी कि 28 दिन तक पूरा
कंप्लीट हो जाएगा पूरा हफ्ता, तो मंगलवार चार बार तो आ ही गया होगा। अब 29 दिन कौन सा आएगा, 29वां सर बुधवार आएगा, तो पक्का सर बुधवार, बुधवार आपका पांचवा आएगा। बात समझ आ गई? तो वही सेम कॉन्सेप्ट आपका साल वाला महीने में भी लग जाएगा। ओके चलो, मिस्टर राज ऑफिशियल कह रहे हैं कि सर स्टेटमेंट ए बी नहीं है। कंक्लूजन कह रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, और नंबर दो कुछ बी ए नहीं है, ए बी नहीं है, ठीक है, ए बी नहीं है, यानी कि सभी ए बी नहीं है। तो देखो मिस्टर राज ऑफिशियल, ये लो मैं आपका इस क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूं। आपने कहा है कि आपकी स्टेटमेंट है क्या, आपकी स्टेटमेंट कह रही है क्लास कि ए बी नहीं है, है ना, चलो ए बी नहीं है। ओके मिस्टर राज, तो देखो ए आपका क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा, ये बताया था ना मैंने आपको लास्ट क्लास में, बिल्कुल सर ए बी नहीं होगा, ये बन गया आपका। अच्छा उसके बाद में आपने बोला कंक्लूजन है सर कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, ये आपका कंक्लूजन फर्स्ट है, है ना, बिल्कुल। चलो कंक्लूजन सेकंड क्या बोला राज आपने, आपने कहा है क्या कि कुछ भी ए नहीं है, कुछ कुछ भी ए नहीं है, यही तो कहा है आपने, हाया ना, बिल्कुल कुछ ए बी नहीं है। देखो अब यहां देखो सर, कुछ ए बी नहीं है, एक बात मुझे बताओ, जब सारा का सारा ए बी नहीं है तो कुछ कैसे हो जाएगा, बात समझ आ रही है, जब सारा का सारा ए बी नहीं है तो कुछ कैसे हो जाएगा, सर कुछ ए बी नहीं होगा, इसीलिए बात क्या होगी आपकी, कंक्लूजन फर्स्ट क्या हो गया आपका करेक्ट, कि कुछ ए बी नहीं है, क्लियर है। जब कुछ ए बी नहीं है ना तो कुछ बी भी, सॉरी आपका बी भी तो ए नहीं है, इसीलिए कंक्लूजन सेकंड देखो सर, कुछ बी ए नहीं है, सर कुछ बी भी तो आपका ए नहीं होगा, बिल्कुल सर दोनों, बिल्कुल राज ये दोनों फॉलो करेंगे आपकी, ठीक है। अब कहोगे सर आइदर और लगा दो, सर आइदर और नहीं लगेगा, क्योंकि आइदर और के लिए एक स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए और एक आपकी नेगेटिव होनी चाहिए, रूल नंबर फर्स्ट। और दूसरा रूल क्या कहता है कि दोनों में आपको क्या होना चाहिए, संदेह होना चाहिए, हाया ना, बिल्कुल। और तीसरा कहता है क्लास क्या कि सब्जेक्ट प्रिडिकेट क्या हो आपके, सेम, यानी कि ये दोनों सेम होने चाहिए। सर ये तो सेम है लेकिन बाकी दोनों रूल फॉलो यहां पर नहीं हो रहे, तो आइदर और भी नहीं लगेगा, ठीक है मिस्टर राज ऑफिशियल, आप समझा दो सर, ठीक है मिस्टर राज, जल्दी से कमेंट करो समझ आ गया बच्चे से आपको। तो कैलेंडर का हम कैलेंडर के जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे हम वो क्लास फिनिश कर चुके हैं आज की क्लास में, और मैंने पूरी कोशिश करी आपसे कि इसको समझाऊं आपको जितना जल्दी से जल्दी बेहतरीन से बेहतरीन हो सके, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्लास में हम कैलेंडर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो आज की क्लास को आप एक दो बार फिर से रिपीट करके देखिएगा ताकि कल के क्वेश्चन के आंसर आप कैसे दें सर, धड़ाधड़ धुआं धुआं करके, हाँ है ना, बिल्कुल। चलो राज ऑफिशियल कमेंट नहीं आया आपका, दोनों सही हैं, बिल्कुल मानसिंह दोनों सही हैं, ठीक है मिस्टर राज, अरे वाह चलो ओके आ गया आपका, क्लियर है डाउट आपका। तो जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे आप सभी के सभी कि कैसी लगी आपको मेरी आज की क्लास, जल्दी से कमेंट कीजिए, कोई डाउट तो नहीं रहा किसी को, ठीक है। और कल देखना ना भूले हमारी क्लास को, ओके, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी जाएगी और बेस्ट क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको कैलेंडर की, ओके चलिए ठीक है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और रहेगी, ठीक है, कि जो हमारा चैनल है कौन सा, एवरेस्ट इंस्टीट्यूट अलवर, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और एक छोटा सा चैनल मेरा भी है तो उसको भी आप क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ओके वोहरा क्लासेस, ओके चलो। और दूसरी चीज क्लास, कंप्यूटर का जो वीओडी बैच है, कंप्यूटर का जो वीओडी बैच है, वीडियो ऑन डिमांड, ठीक है, ये आपका एक कैसा बैच है क्लास, ये आपका एक रिकॉर्डेड बैच है, कैसा बैच है आपका, रिकॉर्डेड, जो क्लास हमारी लॉकडाउन में हुई थी वो क्लासेस कंप्लीट कंप्यूटर है उसके अंदर, बेसिक टू एडवांस लेवल तक का, चाहे बैंक तक का एग्जाम दे दीजिएगा उससे, ठीक है, आपकी पटवार आरपी डीपी सबको कवर करेगा, और वो बैच आपका
ऐप के ऊपर लॉन्च कर दिया गया है और कल से उसकी वीडियोस भी आपको अपलोड कर दी जाएंगी। और उसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ मात्र कितना सर, 149। ठीक है, बिल्कुल आज के टाइम इतने आस पास तो 2.25 लीटर की जो आपकी मिरिंडा आती है ना वो ही मिल जाएगी, है ना, बिल्कुल। तो सर बहुत कम प्राइस पे लॉन्च किया गया आपका ये कोर्स, इसको परचेज कीजिएगा और कोर्स का लुफ्त उठाइएगा। यहाँ पर आपको पीडीएफ के जो नोट्स क्लास हैंड रिटन नोट्स वो मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे और सारे के सारे असाइनमेंट आपको वीडियो के अंदर विद सॉल्यूशन करवाए गए हैं, ठीक है। चलो क्लियर है, एक बार मैं कमेंट देख लूं आपके। बहुत अच्छी, सुपर, धुआं धुआं सर जी। ऑल टू सम एंड नॉट टू सम नॉट में जा सकते हैं मिस्टर राज ऑफिशियल, मैं तो आपसे कॉल भी समझाऊंगा आज आपको, ठीक है। ओके नाइस, ओके सर, अच्छी लगी क्लास सर। सर ई बुक में पीडीएफ नहीं शो हो रही। दिनेश, आज इवनिंग तक आपको ई बुक के अंदर जितनी भी पीडीएफ हैं हमारी सारी की सारी आपका अवेलेबल करवा दी जाएंगी, ठीक है। चलो सारी की सारी मिल जाएंगे हेमंत, थैंक यू। तो थैंक यू क्लास, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, काफी अच्छा लगा आपके साथ में सेशन लेते हुए मुझे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय।